हे गाइस, कैसे आप लोग? आज बाबू हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना फास्ट ट्रैक इनकम टैक्स इफेक्टिवली लेक्चर नंबर 1, राइट? अब सुनिए, आई होप आपके पास सारे नोट्स वगैरह मिल गए होंगे जो भी हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ जो इंट्रोडक्शन वाली लेक्चर है वो आपने एक बार देख लिया होगा। अब सी, अगर आप देखेंगे तो जो सीक्वेंस मैं फॉलो करूंगा इस लेक्चर में, ऑब्वियसली आप भी उस सीक्वेंस अकॉर्डिंग चलेंगे, मेरे साथ साथ करिए, बड़े आसानी से नैया पार हो जाएगी। इस बार भी इतने, जहां पे टैक्स का रिजल्ट इतना ऊपर नीचे आया है, इस बार भी 82% या 82 मार्क्स हाईएस्ट चला गया, ठीक है? तो एकदम बस रिलैक्स होके सुनिए, समझिए, और जितना मैं बोल रहा हूं उतना एग्जाम में कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम में सफिशियंट होगा, राइट? सुनिए, सबसे पहला चैप्टर है बाबू आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि कोई भी इंसान पे हम टैक्स कब लगाएं। एक बात समझिए, हर गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। अच्छा, आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक आता है टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सब हम लोग ऑब्वियसली यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, समय की कमी है। वी विल स्टिक टू दोस पॉइंट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस है, ना कि वो जो एकेडमिक थ्योरीज है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, या डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का जो डिफरेंस है वो आई एम श्योर आपको पहले से आता होगा, ठीक है? देखिए, कभी भी जो टैक्सेशन लगता है वो तीन बात पे लगेगा। सबसे पहला है कि सर जो असेसी है, असेसी मतलब जिसको टैक्स पे करना है, वो कहां का है। ओके, माइंड यू, इसका मतलब मैं सिटीजनशिप से नहीं ले रहा हूं, ना 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 ना, इसको हम पढ़ेंगे टैक्स के एंगल से रेसिडेंशियल स्टेटस में, कि जिस असेसी से आप टैक्स मांग रहे हो वो है कहां का, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। दूसरा, इनकम कहां का है। ओके, इसको हम प्यार से दो नाम देते हैं। एक हम बोलते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब वो कौन सा इनकम है जिस पर टैक्स लग सकता है, क्या सब पे लगेगा, ऑब्वियसली नहीं। एक एलोन मस्क यूएस में अगर पैसे कमा रहे हैं, इंडिया में टैक्स का मतलब नहीं बनता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसी को हम प्यार से इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंस ऑफ टैक्स। और तीसरा है नेचर ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं आपके, फाइव हेड्स वगैरह। अब आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो हम लोग यहां पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि सर किसी को भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस कब मानेंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूं, सिटीजनशिप अलग चीज होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस अलग चीज होती है। ड्यूरिंग द कोर्स में आपको ये सब समझा दूंगा। देखिए, वैसे तो असेसी कई टाइप के होते हैं, आपके इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, LLP। जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस वो बाबू होता है इंडिविजुअल का ही। हम लोग करेंगे सारा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस और सबसे जो ज्यादा प्रोविजन है वो भी इंडिविजुअल का है। तो जो इंडिविजुअल का स्टेटस है वो बड़ा सिंपल सा है, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन रहते हो, मतलब वो डिपेंड करता है आपके जन्म पे नहीं, क्या वो डिपेंड करता है आपके सिटीजनशिप पे नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप इंडिया में उस साल कितने दिन रहे हो। इसका मतलब हुआ कि अगर मानिए बिल गेट्स इंडिया में आए और एक लंबे समय के लिए रह गए, तो उनको भी हम रेसिडेंट इंडिया का बना सकते हैं, भले वो इंडिया के सिटीजन ना हो। अब मुद्दा है कि सर ये कितने दिन रहना पड़ेगा इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए। तो सरकार बोलता है कि किशन, अगर इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन की बात हो विराट कोहली की, तो विराट कोहली अपने केवल बैटिंग के दम पे सिलेक्शन ले जाएगा, केवल बैटिंग के दम पे, वो स्टंप नहीं कर रहा है, कीपिंग बॉलिंग नहीं कर रहा है, केवल बैटिंग के दम पे। और अगर मैं बात करूं रविंद्र जडेजा की, आपको पता है रविंद्र जडेजा, अच्छा जिनको क्रिकेट नहीं पता है आप जान लो ये ऑलराउंडर है, क्या अकेला बैटिंग बहुत मजबूत है? आंसर इज नो। क्या अकेला बॉलिंग बहुत मजबूत है? आंसर इज नो। बट अगर हम दोनों को मिला देंगे
तो बाबू ये मजबूत है। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि देख किशन, हम किसी को भी इंडिया में रेजिडेंट तब मानेंगे अगर वो वन, बाबू याद रखिएगा प्लीज, 182 डे और मोर, कितना दिन, 182 दिन और मोर एक साल में। एंड माइंड यू, आपको ये हर साल निकालना है, हर साल। इसका मतलब है कि आपके जितने भी क्लाइंट होंगे आपको हर साल डिटरमाइन करना है कि वो रेसिडेंट है या उस साल में रेसिडेंट नहीं है। तो जिस भी साल का आपसे पूछा जाए आप चुपचाप क्या कीजिएगा, उसका स्टे इन इंडिया निकालिएगा। 182 डे है तो इंडिया में रेसिडेंट है, वरना नहीं है। अब मुद्दा यह हुआ, ये देखिए आदित्य, कभी कभी जब मछुआरा होता है, फिशरमैन तो मछली पकड़ने के लिए ना मछली जाल डालता है और मछली पकड़ में आ जाती है। कई बार मछली पकड़ने के लिए जाल बहुत लंबा फेंकना पड़ता है। तो गवर्नमेंट भी मछुआरा है, गवर्नमेंट ने बोला कि देख किशन, अगर कोई 182 डे इंडिया में रह रहा तब तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सीधा उसको रेजिडेंट मान लेंगे एक के दम पे, दैट्स इट, 182 डे। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको 182 से कम है, 181 है, 150 है, 100 है, तो गवर्नमेंट कहता है चिंता मत करो, अगर बाबू सुनिएगा ध्यान से, अगर वो 60 डेज भी है ना, 60 डेज उस साल में जिस साल की बात कर रहे हो, अच्छा ये अज्यूम आपको पता है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर सेम होता है। मैं फिर से बोल दूं, करंट ईयर को ही हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, आपके जीएसटी में या कंपनी लॉ में फाइनेंशियल ईयर चलता है, इनकम टैक्स में उसी को हम प्यार से प्रीवियस ईयर बोलता है, प्रीवियस ईयर। हाथी के दांत, खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और, बोल रहे प्रीवियस ईयर, आप इसको मानोगे करंट ईयर। तो करंट ईयर में या प्रीवियस ईयर में दोनों सेम होता है बाबू, टैक्स में प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम चीज है, 60 दिन होना चाहिए और मोर, और मोर। पर लोगों ने बोला कि सर 182 डे समझ में आता है, मोटा मोटा 6 महीना, ये बहुत कम हो गया सर, मात्र 2 महीना। तब तो आईपीएल चल रहा है, 3-4 महीने के लिए तो प्लेयर्स आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, चूंकि ये कमजोर है, मात्र 60 डेज है, हम इसे सपोर्ट करेंगे, कैसे, पिछले 4 साल में 365 डेज। ओके, यानी आप इंडिया में रेसिडेंट हो या नहीं हो ये दो बात पर डिपेंड करेगा, दो तरीका है फंसने का, एक तो 182 डे है, आंख बंद कीजिए आप रेसिडेंट हो गए, अगर 182 से कम है तो अगला स्टेप आएगा, अगला स्टेप क्या है, करंट में 60 एंड पिछले 4 साल में 365। देखिए ये चार्ट आपको आसानी समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, जल्दी आगे मत बढ़िएगा, जैसे मैं बढ़ा रहा हूं वैसे बढ़िए। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, देख रहे हो आप, इन अ प्रीवियस ईयर, यानी नीड टू बी फाउंड, या फाउंड अच्छा वर्ड नहीं है, डिटरमिंड फॉर ईच प्रीवियस ईयर सेपरेटली। तो आप प्रेसिडेंट कब कहलाओगे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। अब इसको बोलते प्यार से बेसिक कंडीशन, पहला वाला है फर्स्ट बेसिक कंडीशन। अगर आपका स्टे ड्यूरिंग रेलेवेंट पीवाई सीवाई एफआई 182 डे और मोर है तो आपको हम रेसिडेंट मान लेंगे। एक और चीज सर, हम लोग कौन सा एवाई पीवाई लेंगे, देखिए आपका बाबू फाइनेंस एक्ट 2021 है, इसका मतलब हुआ आपका जो प्रीवियस ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है या करंट ईयर है, यह आपको हो जाएगा 2021 से 2022। एंड आपको पता है उसका अगला साल होता है असेसमेंट ईयर 2022 से 2023। ये प्लीज आप नोटिंग करते चलिएगा, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये तो फर्स्ट कंडीशन, अगर आप इसमें फंस गए तो फंस गए, बट अगर आप इसमें नहीं फंसे तो माइंड यू यहां पे देखो क्या लिखा मैंने, और मतलब रेसिडेंट बनने के लिए दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी पूरा हो जाए। अगला है सेकंड बेसिक कंडीशन, ये क्या बोलता है कि करंट ईयर में आपका स्टे केवल 60 दिनों, समझ लो
ये मेरा विराट कोहली है। क्यों विराट कोहली है? इसका इसी साल में इतना दिन रह रहा है कि आपको और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। बट दूसरे वाले कंडीशन में करंट ईयर में बाबू मात्र 60 दिन है, तो हम इसको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट कैसे देंगे? ये भी चेक करेंगे कि आप पिछले चार साल में 365 डेज मोर है, अगर है तो हम रेसिडेंट मान लेंगे। सिंपल सिंपल सिंपल। बच्चा बोला सर एक साल में कितने दिन होते हैं? ऑब्वियसली 365 डेज। अब देखिए इससे पहले हम आगे बढ़े, आप लोग नहीं कुछ क्वेश्चन करना चाहिए साथ साथ। सी कोई भी एग्जाम में आप तभी पास करोगे जब आपके कंट्रोल में क्वेश्चन हो। जब आपके कंट्रोल में क्या हो? क्वेश्चन। तो हम लोग बाबू क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मस्त। देखिए सीपी नंबर 8, एक सेकेंड पेज नंबर भी चेक कर लीजिएगा, पेज नंबर नहीं भी तो मेन ये चेक कीजिएगा। कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम 8, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसेसी इन द फॉलोइंग केस फॉर FY 21-22। मैंने बोला ना इसी को हम प्यार से PY 21-22 बोलते हैं। देखिए रोनाल्डो भाई कम्स टू इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द एशियन फुटबॉल टूर्नामेंट, ओके, ऑन 4 अप्रैल 2021। He stays in India up to 15 September. He again comes back to India on 14 January 2022 and stays in India up to 31 March. आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन आपसे ये चाह रहा है कि आप बाबू डेज कैलकुलेट कीजिए। एंड माइंड यू आपको डेज कैलकुलेट करना आना चाहिए। पहले हम डेज कैलकुलेट करेंगे, आंसर कैसे लिखना है उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए आइए मेरा ईयर कौन सा है? मेरा ईयर बाबू 21-22 है। ये स्टार्ट होता है 21 से और एंड हो जाता है 31 मार्च को, ओके। अब ये भाई साहब कब आए हैं? 4 अप्रैल को आए, ओके। ये कब तक है? 15 सितंबर, ठीक है। ही अगेन कम्स बैक 14 जनवरी एंड स्टेज इंडिया अप टू एंड ऑफ द ईयर। सिंपल। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको डिसकैलकुलेट करना है। माइंड यू जिस दिन वो आए और जिस दिन वो गए दोनों दिन इंक्लूड करना होता है। लॉ सरकार ने बनाया, लॉ चाहता है कि वो आपको रेसिडेंट बनाए, तो वो ना दोनों देश को दोनों दिन आना और जाना। या तो टाइम मेंशन हो, टाइम होगा तो मैं बताऊंगा क्या करना है। अगर टाइम नहीं मेंशन है किस समय आया किस समय गया, दोनों दिन को इंक्लूड कर लीजिए। यानी अप्रैल का अगर मैं देखूं तो देखिए बाबू हाउ टू कैलकुलेट डेज ये आपको पता होना चाहिए। 4 को इंक्लूड करना है तो किसको इंक्लूड नहीं करना है? 1, 2, 3 को। तो 30 में से बाबू दिस इज स्मार्ट वे माइनस 3 दिन, क्योंकि 4 को इंक्लूड करना है, 4 को, तो पहले 3 दिन को नहीं करना है। तो 4-1 ये 3 हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या कोई कैलसी चलाएगा? कैलसी तो ये कितना हुआ? अगर आप काउंट करेंगे दिस विल कम टू 165, ओके। अगला देखिए, अगला 14 जनवरी। तुम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जनवरी 31 का महीना, मैं कितने दिन को एक्सक्लूड करूं? एक्सक्लूड सर 14 को इंक्लूड करना है तो 13 को उड़ा दीजिए प्लस 28 का महीना एंड देन 31 का महीना, ये कितना हुआ? 77 डेज। तो मैं वो टोटल कितना हुआ? टोटल आपको दिख रहा है ये 242 डेज है इन PY 21-22। तो ऑब्वियसली क्या हो गए? रेजिडेंट हो गए। क्या मैं सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करूं? क्या सेकंड बेसिक कंडीशन? सर इट डजेंट मेक सेंस। अगर आप एक ही बार में रेजिडेंट बन गए तो अगला क्यों चेक करना? दूसरा, साइना नेहवाल लीव्स इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 28 सितंबर। ध्यान दीजिएगा बाबू, मजेदार क्वेश्चन आने वाला है।
अगेन, जीवन में कुछ नहीं है, केवल टाइम चार्ट है। मैडम 28 सितंबर को गई टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट एंड वो आई नहीं। अब सुनिए बाबू ध्यान से, बच्चा कहां गलती कर देता है। जो हमारा नॉर्मल पॉइंट होता है वो होता है ना इसको लेने का, पर अब लैंग्वेज को पढ़िए कि वो 28 को चली गई, यानी उनका इस्ते बाबू ये वाला है। ये आपका पहला ट्रिक था, ये पहला आप यहां पे स्टार मारिए जो भी मारिए, बट ये पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई जा रहा है तो आपको ये वाला लेना है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितना हुआ 181 डेज। क्या ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा हुआ? नहीं पूरा हुआ। फर्स्ट बेसिक कंडीशन नहीं पूरा हुआ। अब आप दिमाग लगाओगे और क्या बोलोगे, सर अभी आपने पढ़ाया कि अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन नहीं है तो मेरे पास, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं सेकंड बेसिक कंडीशन पे आऊंगा। बोला कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा, तो हम सेकंड बेसिक कंडीशन चलेंगे। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि किशन भाई, हम आपको रेसिडेंट तब मानते हैं, करंट ईयर में तो 60 है उससे ज्यादा, और पिछले 4 सालों में 365 डेज है उससे ज्यादा, तो करंट ईयर में 60 या उससे ज्यादा तो है, एंड ये पहली बार जा रही हैं, यानी पिछले 4 सालों में आप 365 की बात कर रहे हो, ये तो 365 × 4 1400 डेज से भी ज्यादा थी, तो सेटिस्फाइंग द सेकंड बेसिक कंडीशन शी इज अ रेसिडेंट। क्या बोलोगे, सेटिस्फाइंग द सेकंड बेसिक कंडीशन शी इज अ रेसिडेंट। तीसरा, मैं चाहता हूं आप बताइए, आप बट एकदम तेजी में, और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज, जब मैं बाकी बच्चे से पूछ रहा हूं, आप भी ना आगे मत बढ़ाइए, एक बार ट्राई कर लीजिए, इसे बताइए इसका। रिकी पॉन्टिंग वाले का बच्चा बोला, अरे सर कितने मासूम हुआ। मैंने बोला क्या हो गया, कह रहा सर इतना आसान क्वेश्चन, यहां पे तो दिया हुआ है 185 डेज, तो रेसिडेंट है। मैंने बोला बेटा, मासूम मैं नहीं, भोले आप हो, कि आपको लगता है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूं कि मैं आपसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा। आप अभी जानते नहीं हो मुझे बहुत, आपको मेरे ऊपर सिंह दिखना चाहिए। कैसे, आइए देखो बाबू, 1421 से 31 मार्च 22 रिकी पॉन्टिंग भाई इंडिया आ रहे हैं 10 अक्टूबर को, ओके 185 दिन। अरे भाई ये 500 दिन रहे, मुझे तो अपने ईयर का जानना है ना, 21-22 में कितना दिन रह रहे हैं, 21-22 में अगर मैं देखूं तो अक्टूबर में 31 - 10, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च, सॉरी जनवरी फरवरी मार्च ऐड कीजिए, कितना दिन आ रहा है, कितना दिन, 172 डेज। आप समझ गए, यानी ये आगे भी रह रहे थे बाबू, आगे का तो अगले साल देखेंगे ना, हम तो करंट ईयर की बात कर रहे हैं, आगे का अगले साल चेक करेंगे, तो इस साल में तो 172 डेज है। इसका मतलब है सर आप ये बोलना चाहते हो फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, ओके। बच्चा बोला अरे सर काहे चिंता कर रहे हो, हम सेकंड बेसिक कंडीशन देखेंगे। अब सेकंड बेसिक कंडीशन बोलता है 60 इन द करंट ईयर,
जो कि है, और पिछले चार साल में 365, बट देखो ना कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी लास्ट फोर प्रीवियस ईयर में जीरो डेज, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन में नहीं और सेकेंड बेसिक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुआ, तो ये आपके नॉन रेसिडेंट हो गए। ठीक है, वेरी गुड, 31 माइनस 9 होगा, ऑब्वियसली 31 माइनस 9 होगा, क्योंकि 10 को तो वो आ गए है ना, 9 एक्सक्लूड करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में बाबू एक सेकेंड, तो ये 170, ये डेज अभी भी 172 है ना, कि आप लोगों ने उल्टा, मतलब ये 173 हो जाएगा क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा नंबर ऑफ डेज, हो जाएगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब एग्जाम में कैसे लिखते हैं सुनिए, एग्जाम में बाबू प्रोविजन लिखेंगे पहले, जैसे आप लॉ में करते हो प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन। तो देखिए सॉल्यूशन में पहले आपने प्रॉपर प्रोविजन डाल दिया, एन इंडिविजुअल इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इन अ प्रीवियस ईयर इफ ही सैटिस्फाइज एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन। बाबू दो कंडीशन है, दोनों में से कोई एक पूरा करना है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन। और देखो ये लैंग्वेज कितना सॉलिड है, इन दिस केस रोनाल्डो स्टे इज 242 डेज, सैटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन। बाबू ये छोटा छोटा बात बहुत मैटर करता है, सैटिस्फाइंग द फर्स्ट बेसिक कंडीशन, रोनाल्डो इज रेसिडेंट उस साल में, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल का अलग अलग होता है। बाकी आप ऑब्वियसली रीड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, मैं जो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़िए, ये सब अभी रीड करने की कोशिश मत कीजिए, प्रॉब्लम आएगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेज 365। अच्छा जब मैं बात करता हूं स्टे इन इंडिया, इसका मतलब होता है, आपको पता है ना इंडिया के जीएसटी में भी आपको मैंने पढ़ाया है, जो 12 नॉटिकल माइल है इसको हम इंडिया ही मानते हैं। जैसे आपके घर के बाहर जो छोटी सी जगह होगी सरकारी जगह, उससे बाइक कौन खड़ी करता है, आप, तो इंडिया के भी जस्ट बगल में जो 12 नॉटिकल माइल है फ्रॉम कोस्ट लाइन, उसको हम बोलते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, उसको हम इंडिया ही मानते हैं। इसका मतलब है अगर कोई गोवा में पार्टी कर रहा है शिप पे, तो वो इंडिया में ही माना जाएगा, याद रखिएगा। जनरली बोथ द डेट ऑफ अराइवल एज वेल एज डेट ऑफ डिपार्चर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज, ये मैंने करा दिया। बट अगर आपको टाइम दे दिया गया तो आप क्या कीजिएगा, प्रॉपर टाइम कैलकुलेट कीजिएगा और 24 घंटे को हम मानेंगे एक दिन, 24 घंटे को क्या मानेंगे एक दिन, और एक्स्ट्रा आवर्स को हम इग्नोर कर देंगे। बच्चा वाला सर प्रैक्टिकली बता दो, अगर 26 घंटे हैं तो एक दिन, 23 है तो जीरो दिन, 47 आवर्स है तो ऐसे कीजिएगा 47/24 तो 1.9 समथिंग आएगा, डेसिमल को हटा देना है, वन डे, सिंपल। हर 24 घंटे को एक दिन, एक्स्ट्रा आवर्स को इग्नोर, और स्टे इन इंडिया नीड नॉट बी कंटिन्यूअस। क्या मैंने आपको यह बता दिया कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लेस ऑफ बर्थ या सिटीजनशिप नहीं है। यानी अगर आप यूएस चले गए और मानो पूरे साल आप यूएस रहे, पूरे साल इंडिया में एक भी दिन नहीं आए, या मानी 50 दिन आए, तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे, ऑल्दो सिटीजन ऑफ इंडिया के हो। रेसिडेंशियल स्टेटस नीड्स टू बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच ईयर, मैं कई बार बोल चुका। स्पेशल अटेंशन आपको देना है लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम या अराइव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम।
बाबू प्लीज प्लीज इसको याद रखिएगा, बच्चा ना फंस जाता है। देखिए अराइव इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब सुने सुने सुने, स्टे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग पीवाई जीरो, तो आप बाबू सेकेंड बेसिक कंडीशन आपका पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम है तो स्टे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फोर पीवाई ऑब्वियसली मच मच ग्रेटर देन 365 डेज है, उधर चार साल का सीधा कर लीजिएगा, तो यहां पे चांसेस बन जाते हैं सेकेंड कंडीशंस के। एट पॉइंट अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री पे आइए बाबू, मैं क्वेश्चन में आपको जंप कराऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन में हम लोग जंप करेंगे क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन हो सकता मैं उतना आपको डिस्कस करा दूंगा। आइए क्वेश्चन नंबर थ्री। मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन, ओके कैनेडा के हैं, कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द पीवाई 1718, पहली बार 17-18 में ड्यूरिंग द एफआई 1718 1819 1920 21। माय गॉड, बहुत ज्यादा डेटा दे दिया भाई ने, पीवाई 1718 1819 1920 2021 22। ही वॉज इन इंडिया फॉर 55 डेज 60 डेज 90 डेज 150 डेज 170 डेज। डिटरमाइन द रेसिडेंट स्टेटस फॉर बाबू, एक नया पॉइंट जहां पे आपको वो फंसाने की कोशिश करते हैं, पीवाई एवाई में आपको घुमाएंगे, कभी मत कंफ्यूज होइएगा, किसी एक को पकड़ लीजिए। जैसे मैं जनरली पीवाई को पकड़ता हूं, आपकी मर्जी है। अब आपको पता है एवाई 2021 का मतलब हुआ पीवाई 2122, यही पकड़िए पीवाई। अब देखिए ये हम इसी बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन ऑब्वियसली पूरा नहीं हो रहा है, 182 डे तो है नहीं। अब बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड बेसिक कंडीशन बोलता है 60 और मोर इन द करेंट ईयर प्लस 365 और मोर इन प्रीसीडिंग फोर ईयर्स, तो 60 और मोर तो है, एड कर लीजिए कितना है 355 डेज है, तो सेकंड बेसिक कंडीशन भी नहीं पूरा हुआ, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, बेटअप प्रेजेंटेशन आपको कैसा लगा इस क्वेश्चन का या क्वेश्चन नंबर एट का? बेटर प्रेजेंटेशन बाबू आपको किसका लगा, इस वाले का या एट वाले का? एट वाले का, तो आप एग्जाम में क्या फॉलो करेंगे? एट वाला। ठीक है, क्वेश्चन कई बन सकते हैं, आप एग्जाम में फॉलो करेंगे एट वाला। आगे देखिए, सुनिए बाबू एक बात बताइए, क्या इंडियन सिटीजन्स इंडिया से बाहर जाते कि नहीं? हां जी सर, बाहर जाते हैं, बहुत नॉर्मल है। हो सकता है वो इंडिया से बाहर चले गए और वो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। अगर एक इंडियन सिटीजन मान के चलिए प्लस स्टे ड्यूरिंग पीवाई 21-22, अगर 59 डेज है, 59 डेज, आप क्या बोलोगे ये कौन है, रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है? अगर 59 डेज है तो सर हम कुछ चेक ही नहीं करेंगे, 182 डे, फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरा नहीं हुआ, सेकंड बेसिक कंडीशन पूरा नहीं हुआ, हम बोलेंगे बाबू आप हो नॉन रेसिडेंट। वेरी गुड। अब गवर्नमेंट ने देखा यार ये बंदा इंडिया का है, पाल पोस के मैंने बड़ा किया, रह रहा है विदेश में, मजबूरी है कि मैं उससे टैक्स नहीं ले सकता हूं, इसको हम इंडिया का रेजिडेंट नहीं बोल सकते। पर फिर अब देखो खुरापाती दिमाग, किसी ने सरकार को बोला कि सरकार आप इसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे? हो सकता है, हो सकता है
इसका इनकम इन इंडिया हो, ये हो सकता है कि नहीं? एग्जांपल ले लीजिए, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन इंडिया। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि आप इंडिया से बाहर जाते हो तो इंडिया का सारा असेट बेच के जाते हो, नहीं, आप इंडिया के सिटीजन थे, आप इंडिया से बाहर चले गए, करंट ईयर में आप केवल 59 डेज हो, आप नॉन रेजिडेंट हो गए, तो आप नॉन रेजिडेंट हो, अब आपका इंडिया का इनकम भी है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको क्या मतलब पेटे में ले सकते हैं, तो देखिए कितना स्मार्ट तरीका आया। सरकार बोलता है कि देखिए किशन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि इंडियन इनकम जिसका छोटा मोटा नहीं, एकदम छोटे मोटे को तो हम टच करेंगे नहीं, 15 लाख एक्सीड कर रहा है, एंड इस भाई साहब का पूरे वर्ल्ड में कहीं टैक्स नहीं लगता है, ओ माय गॉड, ऐसे कई सारे जगह हैं जहां पे हो सकता है आपका इनकम टैक्स माफ हो, आप उनके लिमिट के बाहर हो, आप समझ रहे हो सकता है आप इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो, आप हर कुछ कुछ दिन सोच के देखिए, एक ऐसा महान इंसान जो हर देश में 50-50 दिन रहता है, इमेजिन कीजिए, एक ऐसा इंसान जो अपने टैक्स की प्लानिंग इतनी जबरदस्त करता है कि वो एक कंट्री में उतना ही दिन रुकता है कि वो वहां का रेजिडेंट न बने, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक पर्सन अपने टैक्स प्लानिंग के चक्कर में इस तरह से अपना साल प्लान करे पूरा ईयर कि वो किसी भी एक कंट्री में उतने दिन न रहे कि वो वहां का रेजिडेंट बन जाए, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर हो तो सकता है अगर कोई स्मार्ट हो और प्रॉपर प्लानिंग वाला हो, पॉसिबल तो है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम ऐसे बंदे को लपेटे में लेंगे, यानी लपेटे में कौन आ रहा है? नॉर्मल इंसान नहीं आ रहा है लपेटे में, केवल वो लोग आ रहे हैं। पहला वो तीन कंडीशन है, तीनों पूरे होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन हो, आपका इंडिया का इनकम छोटा मोटा नहीं हो, 15 लाख प्लस हो एक्सीड, तीसरा पूरे वर्ल्ड में कहीं भी इस पर टैक्स नहीं लग रहा हो। ऐसे केस में हम एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, डीम्ड रेसिडेंट। इनफैक्ट गवर्नमेंट ना इन भाई लोगों को जिनका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इनको सरकार इस बार निशाने पर लिया है। देखिए नया कॉन्सेप्ट है, यह पूरा जो ज्ञान है यह अब 6.1 में है, यह पूरा ज्ञान, यह अकेला ज्ञान 6.1A में है। डीम रेसिडेंट, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए फर्स्ट कंडीशन, प्लस 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 आपका टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स, दैट इज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब आपका जो मानो 50 करोड़ का इनकम है, विदेशी इनकम को हटा दीजिए, जो इंडियन इनकम है अगर वो 50 लाख से 15 लाख से एक्सीड हो गया, एंड प्लस 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 नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री ड्यू टू हिज डोमिसाइल, मतलब स्टे और रेसिडेंस और अदर सिमिलर क्राइटेरिया, मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो कंटिन्यूअसली ट्रेवलिंग कर रहा है। कहीं भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो सरकार बोलता है हम आपको रेसिडेंट मान लेंगे, बट कैसा रेसिडेंट? डीम्ड रेसिडेंट। आई थिंक रीजनेबल है, हम नॉर्मल बंदे को तो पकड़ नहीं रहे, हम किसको पकड़ रहे हैं? कुछ खास लोगों को। एक और चीज बाबू याद रखिएगा, ये समझ लो ना, पहले सरकार मछुआरा जाल फेंका, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, और मछली चाहिए और लंबा जाल फेंका, सेकंड बेसिक कंडीशन, और चाहिए जाल इतना लंबा फेंका कि डीम रेसिडेंट। बट माइंड यू ये हमेशा सेकेंडरी रहेगा, अगर कोई इंसान 6.1 में फंस गया उसका 6.1A चेक नहीं करना है। 6.1A कब प्ले में आएगा? डीम रेसिडेंट इज कंसिडर्ड ओनली फॉर द इंडियंस हु आर नॉट क्लासिफाइड एज रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6.1। यानी मैं हमेशा बोलूं, आप पहले 6.1 चेक करोगे या 6.1A चेक करोगे, बताइए, आप 6.1 चेक करोगे या 6.1A? 6.1। अच्छा मैं एक बात और लिख दूं, अंडर सेक्शन 6.1A
स्टे इन इंडिया इज इरेलेवेंट। बिल्कुल सर, ये तो जेन्युइन है, स्टे इन इंडिया का कोई वैल्यू नहीं बचता है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक इसको आप चैप्टर नंबर टू में करेंगे, इसको भी समझाने का फायदा नहीं है, ये चैप्टर वन है, ये चैप्टर नंबर टू में होगा इनकम का डीलिंग। आगे बढ़िए, बाबू एक बात बताओ ईमानदारी से, क्या हमारे देश की सरकार के लिए टैक्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कोई दो राय नहीं है, टैक्स इंपॉर्टेंट है। बट क्या केवल टैक्स इंपॉर्टेंट है? ओ माय गॉड, ये बड़ा क्वेश्चन है सर। टैक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट क्या केवल टैक्स इंपॉर्टेंट है? तो ना, ऐसा नहीं है बाबू। वो टैक्स किस काम का? कि आपके देश से बिजनेस चला जाए, आपके देश में कोई आना ना चाहे। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि देखिए किशन, जो 182 डी वाला कंडीशन है ना, ये एकदम जेन्युइन है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। बट ये जो 60+365 वाला है, ये थोड़ा सा आप ज्यादा लोगों को लपेटे में लेना चाह रहे हो। यानी बात याद रखिएगा, ये मैं क्लाइंट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इंडिया हैज हाई टैक्स रेट्स, इंडिया का जो टैक्स रेट है वो ज्यादा है। तो जो नॉर्मली लोग है ना, वो इस टैक्स से बचना चाहते हैं, वो कहते हैं कि हम बाकी जगह टैक्स दे देंगे, कम देना पड़ेगा, इंडिया से बच जाए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए किशन, अगर कोई इंसान ऐसा है जो इंडिया के लिए फॉरेन करेंसी कमा रहा है, बाबू फॉरेन करेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी फॉरेन करेंसी के चक्कर में एसीजेड बनता है, इसी फॉरेन करेंसी के चक्कर में अगर पाकिस्तान के पास नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं, कभी एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, वो एक एक बिलियन डॉलर के लिए अपना रोडवे, मोटरवे, रेलवे सब गिरवी रख देता है, $1 बिलियन के लिए। इंडिया के पास $630 बिलियन है, बट ये आसानी से नहीं बना है, बहुत टाइम लगा है। तो गवर्नमेंट को ना फॉरेन करेंसी से बहुत प्यार है, सारा पेमेंट तेल का, गैस का, ये सब डॉलर में करना होता है। तो गवर्नमेंट कह रहा है कि देखिए किशन, अगर कोई इंसान इंडिया से बाहर जा रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन, किस काम के लिए? विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी कमाने के लिए, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस हो, हम उसको ना रिलीफ देंगे। वो बोला क्या रिलीफ दोगे? सरकार बोलता है हम तुम पे सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, आप सर्च कीजिएगा, एक भाई साहब है एमए यूसुफ अली, मैंने ये कंपनी का ऑडिट किया हूं, ये रिचेस्ट इंडियन इन द गल्फ कंट्री है। जब मोदी जी यूएई जाते, दुबई वगैरह, तो जो 3-4 लोग इनसे मिलने आते हैं ना शुरू में, वहां के शेख या राजा के साथ, उसमें ये भाई साहब है। और ये गरीब था, गरीब थे इनफैक्ट, बहुत बड़ा आदमी आज की डेट में, इंडिया से ये शिप से गए थे, पैसा नहीं था, मिडिल ईस्ट, और आज इनके पास इनका अपना वर्थ 30-40 हजार करोड़ है। अब ऐसा अगर कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, कभी कभी इंडिया आता है, अब इसको आप जबरदस्ती इंडिया में टैक्स करना चाहोगे, जबरदस्ती रेसिडेंट बनाओगे? सरकार बोलता ना, अगर कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है, लीव्स, कोई भी इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है, क्यों? फॉरेन कंट्री में जा रहा है, जॉब, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस, फॉरेक्स आएगा, हम इस पे सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे। या फिर वो एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ इंडियन शिप जा रहा है, उस पे भी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन। क्या बोलेंगे हम? रिलैक्सेशन, याद रहेगा, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगना इज अ रिलैक्सेशन। क्यों रिलैक्सेशन है? क्योंकि आप रेजिडेंट नहीं बनोगे, एंड क्योंकि इंडिया का टैक्स रेट ज्यादा है, इंडिया हाई टैक्स रेट, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेकेंड बेसिक कंडीशन इज अ रिलैक्सेशन। क्या ये एकदम क्लियर हुआ? कभी भी डाउट है? ये लो पॉइंट, जाने वाला, फिर हम आने वाला करेंगे, पहले जाने वाला देखते हैं। आगे देखिए, अगला है, हम सब ने, अच्छा एक और चीज,
सर ये सिटीजन होता कौन है? देखिए वैसे तो सिटीजनशिप एक्ट है, वो सब हमें नहीं पढ़ना है, आप बस इतना जान लो अगर कोई इंसान या तो क्वेश्चन बता दे, अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है और आप अगर भारत में जन्म ले लिए, बॉर्न इंडिया, आप सिटीजन हो। अगर आप यूएस में बॉर्न हो तो आप इंडियन सिटीजन नहीं हो। तो सबसे पहला क्या है, या तो क्वेश्चन बता दे, अगर क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है तो आप पहले क्या देखो, क्या इंडिया में पैदा हुए हो? यस, बाय डिफॉल्ट इंडियन सिटीजन। मुझे अपनी नागरिकता साबित नहीं करनी है, मैं इंडिया का बर्थ है, मैं इंडियन सिटीजन हूं। कोई यूएस में बॉर्न हो रहा है वो इंडिया का सिटीजन नहीं है। बाबू इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिया में पैदा हुआ और सिटीजनशिप यूएस का ले लिया, हो सकता है सुंदर पिचाई, हो सकता है यूएस सिटीजन है। अब बाबू ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है, नहीं अलाउ करता है। अगर आपने किसी और देश का नागरिकता ले ली, इंडिया का नागरिकता आपका खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार, आपने सुना होगा इन्होंने कैनेडा का लिया हुआ है, इंडिया का नहीं है। आलिया भट्ट, इन्होंने यूके का लिया हुआ है, ब्रिटेन का। दीज गाइज आर नॉट इंडियन सिटीजन, दे कैन नॉट वोट इन इंडिया, दे कैन नॉट वोट इन इंडिया। आगे देखिए, ये तो जाने वाला, अब है आने वाला। बाबू अगले 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए अपना जो दिमाग है ना एकदम खोल के रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं आने दीजिएगा। हम सब ने सनफ सरदार देखा है, ठीक है, नहीं भी देखा है सनफ सरदार तो इतना तो मानोगे ना कि इंडिया शुरू से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, या अतिथि को हम लोग देवता मानते हैं। तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग आए, और स्पेशली वो लोग जिनका इंडिया से कनेक्शन है। अब अगर मानो कोई आ रहा है, देखो पहले वाला हमने क्या पढ़ा है बाबू, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछोगे आ रहे हो कि जा रहे हो। अगर आप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, एक आदमी को माफी है, इंडियन सिटीजन पैसा कमाने जा रहा है। अगर आप आ रहे हो ना बाबू, अतिथि देवता होता है, दिल हमारा बड़ा है, हम दो लोगों को माफी देंगे। तो जाने समय एक को माफी, रिलैक्सेशन एक को, इंडियन सिटीजन, बट आने समय दो को। आज नहीं तो कल आपके मन में ये डाउट आएगा, आपके मन में ये डाउट आएगा। फर्स्ट आस्क, क्या आ रहे हो कि जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो केवल इंडियन सिटीजन वाला चेक करेंगे, बट अगर आप आ रहे हो ना, दिल बड़ा है, अतिथि देवता, हम यहां पे दो लोगों को बेनिफिट देंगे, इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बच्चा बोला सर सिटीजन तो आपने समझा दिया, पीआईयू क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। देखो हम लोग ना इंडिया एज अ कंट्री, हम लोग बड़े इमोशनल लोग हैं। क्यों सर? जैसे एक न्यूज आई कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो पर्सनल सर्जन होता है, पर्सनल, वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हर न्यूज़पेपर में छाप दिया गया। पता क्या चला? मैंने भी लगा वाह, इंडियन आदमी वहां पहुंच गया, प्रेसिडेंट का सर्जन। पता चला वो बंदा इंडिया कभी आया ही नहीं है। पर्सन ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है वो बंदा जो खुद या उसके मम्मी पापा या उसके दादा दादी नाना नानी, माई गॉड, या तो ये भाई साहब, या इसके मम्मी, या इसके पप्पा, या उसके पप्पा के पप्पा मतलब दादाजी, या पप्पा की मम्मी दादी जी, या मम्मी के पप्पा नाना जी, या मम्मी की मम्मी नानी जी। अगर इन सारे लोग में से कोई भी अखंड भारत में है, माई गॉड, अखंड भारत, अरे वही 1947 के पहले इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगर किसी का भी बर्थ हुआ है ना, उसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मान लेंगे। इसका मतलब हुआ एक इंसान 1930 में पैदा हुआ, वो यूएस चला गया, ना उसका कभी बेटा आया, ना उसका कभी पोता इंडिया आया, बट उस पोते को भी हम क्या बोलेंगे,
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आपको दिख रहा है, ये बहुत वाइड है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? वो भाई साहब जो खुद या जिसके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी कोई भी अखंड भारत में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में पैदा हुआ है, याद रहेगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO। देखिए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एनी पर्सन हु इधर हिमसेल्फ या तो खुद या उसकी ईदर ऑफ पेरेंट्स कोई मम्मी या पापा या ईदर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी नाना नानी वर बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया अखंड भारत प्रायर टू 15 अगस्त 1947 इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश बांग्लादेश। अब बाबू जाने समय तो एक को बेनिफिट था, आने समय दो को बेनिफिट है, सिटीजन को भी और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को भी। सरकार बोलता है बाबू अगर आप लोग आते हो आप पे सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। बट यहां पर ना यहां पर वो जो इनको कीड़ा काटा है कौन सा कीड़ा? ये 15 लाख वाला। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देख किशन अगर बाबू प्लीज ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, अगर आप जा रहे हो तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, दैट्स इट। अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट बिजनेस के लिए जा रहे हो, बट अगर आप आ रहे हो तो एक क्वेश्चन और पूछेंगे। मैंने बोला क्या पूछोगे? कह रहे बाबू तुम जो आ रहे हो ना क्या तुम्हारा इंडिया में इनकम 15 लाख से ऊपर है? अच्छा ये बात बताओ मेरा इंटरेस्ट किसको लपेटे में लेने का है, 15 लाख से ऊपर कमाने वाला या कम कमाने वाले को? पहले ये बताइए मेरा इंटरेस्ट किसको लपेटे में लेने के लिए, जिनका 15 लाख से ऊपर है कि जिनका 15 लाख से कम है? जिनका 15 लाख से ऊपर है। तो अगर आप आ रहे हो बाबू ये डायग्राम को ना दिमाग में बैठा लो, अगर आप आ रहे हो तो सरकार क्या पूछता है बाबू क्या आपका टोटल इनकम इंडिया वाला 15 लाख से ऊपर है? बोला हाँ हाँ सर है। अब गवर्नमेंट बोला ठीक है तुमको रिलैक्सेशन देंगे 182 डे, जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन है वो तो लगेगा, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, बट मॉडिफाइड सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा। रिलैक्सेशन देंगे कैसा? 60 डेज को छोड़ के 120 डेज ले लेंगे। यानी अगर कोई आ रहा है दोनों में से कोई भी और उनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स मतलब उनका इंडियन इनकम अगर एक्सीड कर रहा है तो फर्स्ट बेस बाबू ये आरवार एनवार इग्नोर कर दो, अभी हमने पढ़ाई नहीं है, काटा नहीं है, अभी हमने पढ़ाई नहीं है, तो फर्स्ट कंडीशन तो लगेगा ही, उसका तो कोई बात ही नहीं है। सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मॉडिफाइड सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल होगा। मॉडिफाइड क्या है? करंट ईयर में 120 दिन और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज। और अगर आपका 15 लाख से कम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट कंडीशन लगेगा, सेकंड कंडीशन नहीं लगेगा। बच्चा बोला सर एक बार और बताओ। तो मैं कह रहा हूं मैं 10 बार बोलूंगा, आप ना सब कोई अपना अपना आंख बंद कीजिए, सारे बच्चे अपना आंख बंद कीजिए और सुनिए। पहला क्वेश्चन, आ रहे हो जा रहे हो, जा रहे हो जा रहे हो जाओ, जाने समय हम माफी केवल एक आदमी को देंगे। किसको माफी देंगे? हम माफी देंगे हमारे प्यारे इंडियन सिटीजन को, अगर वो पैसा कमाने जा रहा है जॉब एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप जा रहे हो। अगर आ रहे हो तो आने वाला चीज थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोविजन है। आने वाले में क्या होता है, हम एक तो माफी दो को देंगे, दिल बड़ा है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इंडियन सिटीजन को भी बेनिफिट देंगे, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को बेनिफिट देंगे। अब अगर ये लोग आ रहे हैं तो इनसे ना पूछेंगे बाबू बेनिफिट देंगे, एक क्वेश्चन को जवाब दे दो। बोला क्या? क्या इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है? बोला ना 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 हम तो गरीब आदमी है। ठीक है तुम्हारा सेकंड बेसिक कंडीशन पूरा माफ। दूसरा बोला ना ना सर बहुत पैसा है इंडिया से, करोड़ों कमाते हैं, 15 लाख से ऊपर। सरकार बोलता है 60+365 तो नहीं लगाएंगे, 120 डेज वाला लगा देंगे। क्या बेसिक ये डायग्राम दिमाग में बैठा? डायग्राम अब हम इलस्ट्रेशन दबा के करेंगे, कई सारे इलस्ट्रेशन करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे। डायग्राम बैठा दिमाग में? डायग्राम बहुत बढ़िया, सुनिए प्रोविजन देखिए। प्रोविजन इफ अ पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन कम्स ऑन अ विजिट
एंड उस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स दैट इज इंडियन इनकम 15 एक्सीड करेगा, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। मैं भी तो यही बोल रहा हूं, आप पीआईओ इंडियन सिटीजन हो, आपका इनकम एक्सीड कर जा रहा है तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। देखो फर्स्ट वाला तो लगेगा, उसका तो बात ही नहीं है, सेकंड नहीं लगेगा। बट सच पर्सन शैल बी डीम्ड रेसिडेंट इफ हैज स्टेड ड्यूरिंग द पीवाई 180 डेज और मोर, ही स्टेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीवाई इज, मतलब ये तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन हो गया, इसका तो मारामारी है ही नहीं, मारामारी तो सेकंड वाले का है। तो जो पहले 60 डेज हुआ करता था वो 120 हो गया एंड 365 इन द प्रीसीडिंग 4 इयर्स, दैट्स इट। क्या मैं इलस्ट्रेशन कराऊं? ध्यान दीजिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इंडिया। बाबू मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला क्वेश्चन, आ रहे हो आखिर जा रहे हो? सर ये ना जा रहा है, जा जा जा, तो जाने वाले को मैं बेनिफिट किसको देता हूं? जाने वाले में दिमाग चलाइए, जाने वाले में बेनिफिट किसको मिलता है? रिलैक्सेशन केवल इंडियन सिटीजन को। अरे बाबू जा रहा है, जा रहा है, आने में ही सब चेक करना है 15 लाख, जाने में कुछ चेक नहीं करना है, जाना तो एकदम सिंपल है इंडियन सिटीजन को, आप तो पीआईओ, नो रिलैक्सेशन, सेकेंड कंडीशन लग जाएगा। दूसरा, अगेन आप जा रहे हो, जा रहे हो, अगेन केवल इंडियन सिटीजन को बेनिफिट है, पीआई को बेनिफिट नहीं है, सेकेंड कंडीशन लग जाएगा। तीसरा, आप इंडियन सिटीजन हो, इंडिया से जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, तो बेनिफिट है किसको? इंडियन सिटीजन को, जॉब के लिए पक्का रिलैक्सेशन है, सेकेंड कंडीशन नहीं लगाएंगे। ये एम ए यूसुफ अली है, इनको लपेटे में नहीं लेना है, इनको लपेटे में नहीं लेना है। अगेन लिविंग है, जा रहा है, बट ये जा क्यों रहा है? पैसे कमाने जा रहा है क्या? जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, सिर्फ टाइम पास करने, टूरिज्म, फॉरेन करेंसी खर्च करेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सेकंड बेसिक कंडीशन एप्लीकेबल होगा। क्या ये चार पॉइंट मेरे समझ में आया कि नहीं आया? ये चार पॉइंट आ रहा है कि जा रहा है? जाने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है, बस चेक कर लो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और पर्पस चेक कर लो। बाबू एक बार कंफर्म कीजिए, क्या ये चार एकदम कंट्रोल में है? अंतिम बदो, एक पीआईओ आ रहा है, बाबू ये आ रहा है, आ रहा है, आने वाले में किसी को बेनिफिट है? एक को या दो को? सर दोनों को। तो पीआईओ आ रहा है, उसका इंडियन इनकम 15 लाख है, बाबू एक्सीड नहीं हो रहा है, 15 लाख है, 15 लाख, 15 लाख है, गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, रिलैक्सेशन। और अगर एक पीआईओ है, इंडिया आ रहा है, आ रहा है, बट इंडियन इनकम 16 लाख है, एंड एक्सीडिंग 15 लाख है, बाबू सेकंड बेसिक कंडीशन तो नहीं लगेगा, बट वो मॉडिफाइड कंडीशन 120 डेज वाला लग जाएगा। अब आ रहे हो, 15 लाख से ऊपर वाले हो, सेकंड वाला नहीं लगेगा, बट 120 डेज वाला लग जाएगा। बच्चा बोला सर एक क्वेश्चन और करा दीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। मैंने बोला काहे चिंता करते हो, क्वेश्चन इतने कराएंगे कि मजा आ जाएगा। सीपी नंबर 9 देखिए, ये मेरे खुद का है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है, एक बार करो, ईमानदारी से करो, बढ़िया से करो, हो जाएगा। Decide whether we need to test the second condition, मतलब आपको बताना है second basic condition applicable or not, बस इतना बताना है। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पूछना है आ या
जा, राम भाई है, सिटीजन है, जा रहे हैं, तो जाने से हम बेनिफिट कितने को देते हैं? एक को, सिटीजन को, वो भी जॉब के लिए, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। नेहा ये भी सिटीजन है, ये भी जा रही है अपने बिजनेस के लिए, सरकार बोलता है आपको नहीं फंसाएंगे। भरत इंडियन सिटीजन, ये भी जा रहे हैं इंडियन शिप में एज अ पैसेंजर, पैसेंजर इनको माफी नहीं है, सेकंड बेसिक कंडीशन बाबू लग जाएगा। फोर्थ रवि, ये भी सिटीजन है, ये भी जा रहे हैं क्रू मेंबर ऑफ टाइटैनिक फॉरेन शिप। बताओ बाबू फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन शिप, फॉरेन शिप, फॉरेन, फॉरेन विदेशी। बच्चा कह रहा है सर मतलब सेकंड कंडीशन लगेगा कि नहीं लगेगा? बच्चा कह रहा है कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सेकंड कंडीशन लगेगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं ना, कभी कभी जो कानून बनाने वाले हैं उनसे गलती हो जाती है। बच्चा लग कैसे क्या बताइए, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया से छोड़ रहा है एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, इंडियनशिप तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगता है, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है, इसे नहीं लगेगा। यानी अगर ही इंडियन सिटीजन फॉरनरशिप पे जाएगा तो सेकंड बेसिक कंडीशन लगना चाहिए, क्योंकि माफी तो केवल इंडियन को मिला है, इंडियनशिप को, फॉरनरशिप को तो माफी मिला नहीं है। पर अब समझो कि कई बार ना लॉ मेकर से भी गलती हो जाती है। गलती क्या हुआ है कि आप अगर क्रू मेंबर ऑफ फॉरनरशिप हो तो आप जॉब नहीं कर रहे हो। सोच बताइए, अगर आप क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन शिप हो, ठीक है, आपका अभी तक अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट है कि सर आपने बोला था ना माफी मिलेगा इंडियन सिटीजन या तो जॉब एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या फिर इंडियन शिप का क्रू मेंबर, तो इंडियन शिप का क्रू मेंबर यानी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, नहीं फॉरेन शिप में लगना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। बट मैं कह रहा हूं थोड़ा दिमाग का दायरा बढ़ाइए और सोच बताइए, क्या फॉरेन शिप का क्रू मेंबर अब जॉब नहीं हो गया? जॉब हो गया तो ये बढ़िया पॉइंट है बेटा, तभी अलग से चार्ट बना दिया मैंने कि इंडियनशिप में तो स्पेसिफिक प्रोविजन से माफी है और फॉरेन शिप है तो यहां भी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जॉब आउटसाइड इंडिया है, ये जनरल प्रोविजन में माफी मिल जा रहा है, जनरल प्रोविजन में माफी मिल जा रहा है। क्या ये पॉइंट एकदम क्लियर है? इंडियनशिप में आपका स्पेसिफिक प्रोविजन में माफी है, फॉरनशिप में इनफैक्ट उनको ये अमेंड कर देना चाहिए, वो इंडियनशिप हटाई देना चाहिए, क्योंकि इंडियन फॉरन दोनों में माफी मिल जाता है, रीजन अलग अलग है, क्योंकि ये जॉब है ये भी माफ है। आगे देखिए, आशीष सिटीजन ऑफ इंडिया, लीव्स इंडिया क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, अगेन रिलैक्सेशन है। ये देखिए, मिस्टर बॉबी जिंदल यूएस का सिटीजन है, बाबू यूएस का, इंडिया का नहीं है, बॉर्न इन 1975, कम्स ऑन विजिट टू इंडिया, ऑल द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन यूएस, तो क्या इंडियन सिटीजन है? नहीं है। अच्छा मैंने क्या बोला था, सबसे पहले पूछो आ या जा, ये भाई सब आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आ रहे हैं। आने में बेनिफिट किसको है? इंडियन सिटीजन या पीआई, दोनों को बेनिफिट है। तो ये सिटीजन ऑफ यूएस है, भले इंडिया में बॉर्न है, इन्होंने यूएस का सिटीजनशिप ले लिया है, इंडिया डुअल तो अलाउ करता नहीं है, तो इंडियन का सिटीजन नहीं है, जैसे अक्षय कुमार नहीं है, आलिया भट्ट नहीं है। क्या ये पीआईओ है? अब पीआईओ होने के लिए आपको अखंड भारत में पैदा होना था, खुद तो भाई अखंड भारत में हुए नहीं है, मतलब 1947 के पहले, और पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट ये भी यूएस के हैं, तो ये पीआईओ भी नहीं है, तो दोनों को बेनिफिट नहीं है। बताओ सेकंड बेसिक कंडीशन लग जाएगा।
ये क्लियर हुआ सिक्स वाला पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट था। आप ना इंडियन सिटीजन ना पीआईओ, तो काहे का माफी लगेगा भैया। एमएफ हुसैन कतर के सिटीजन, बाबू यानी इंडियन सिटीजन नहीं है, वॉज बॉर्न इन द इंडिया 1940 में, कम्स ऑन विद इट, बट पीआईओ है। अब यहां पर ना, यहां पर डिपेंड करेगा कैसे, इफ इंडियन इनकम 115 लाख तो 120 प्लस 365 और अप टू 15 लाख तो नो सेकेंड कंडीशन, दैट्स इट। समझ लो ना पीआईओ हो गए क्योंकि 1947 के पहले पैदा हुए हैं, इंडिया आ रहे हैं तो उनको हम फिर वो चेक करेंगे इनकम। 15 लाख से ऊपर है तो बाबू 120 डेज वाला कंडीशन, और अब तो 15 लाख है तब तो लगेगा ही नहीं। ये तो मैं करा चुका हूं। क्या हम लोग अब इसमें कंफर्टेबल हैं? आया जा बाबू, स्टेप नंबर वन, आया जा जिंदगी में आपका बहुत ज्यादा एफर्ट बचा देगा। आया जा, सीपी नंबर टू देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये हो जाएगा तो आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। करें हम लोग, देखिए मैं एक बार ना अंतिम में अगर आप जा रहे हो इंडियन सिटीजन प्लस स्पेसिफाइड पर्पस, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। अगर आप आ रहे हो तो इंडियन सिटीजन या पीआईओ प्लस 15 लाख से अप टू है इंडियन इनकम, तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। इंडियन सिटीजन एंड पीआईओ है प्लस इंडियन इनकम एक्सीडिंग 15 लाख है तो सेकेंड बेसिक कंडीशन तो नहीं लगेगा, बट 120 प्लस 365 हो जाएगा। आई थिंक इससे ज्यादा समरी खोजना बेमानी है, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। जिसको मन करे आप ये लिख सकते हो। ब्रेटली भाई एंड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर विजिट इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 ईयर्स। अब ये 10 ईयर्स में ना एक पॉइंट आएगा आरवार एनवार का, अभी मैं उसको डील नहीं करूंगा, अभी मैं आगे देखिए। फाइंड आउट द डेस्टिनेशन स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2023, यानी ये बात कर रहा है पीवाई 21-22 की। ये कौन है ब्रेटली? अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तब क्या जूम करोगे? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, अगर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर आ रहा है, आने समय हम बेनिफिट किसको देते हैं? आने समय इंडियन सिटीजन ये नहीं है, पीआईओ नहीं है, तो अच्छा सेकंड बेसिक कंडीशन लगेगा। अब 182 डे वाला कंडीशन तो फुलफिल नहीं है, बट 60 प्लस 365 वाला हो सकता है क्योंकि हर बार 100 दिन, तो करंट ईयर में 100 दिन और पिछले 4 साल में 400 दिन, तो भैया रेसिडेंट है। कैसे? सेटिस्फाइंग सेकंड बेसिक कंडीशन। मैं फिर से बोलूं, आप 21-22 में आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, पीआईओ नहीं हो, तो सेकंड कंडीशन लगेगा। अब 182 डे तो है नहीं, बट 60 प्लस 365 है, सेकंड कंडीशन। आगे देखिए, अब मजा आएगा। वुड्रो आंसर चेंज
इफ द अबोव फैक्ट्स रिलेट टू श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन इंडिया हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड रिप्रेजेंट्स द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम. बाबू ऐसे केसेस हैं कि इंडिया के लोग विदेश में जाकर आराम से क्रिकेट खेल रहे, कोई बड़ी बात नहीं है. कुछ लेटेस्ट एग्जाम्पल्स भी हैं. बहुत पहले मैंने देखा था एक मॉन्टी पनेसर भाई थे, उन्होंने सचिन को बोल्ड किया था और उस समय क्रिकेट मेरे दिल के बहुत करीब था. अब नहीं है, उस समय था. मुझे इतना गुस्सा आया था भाई पे, फिर हमने बोला कोई बात नहीं अपना ही भाई है, तो गुस्सा कम हो गया. वो यूके आई थिंक ब्रिटेन के लिए खेल रहे थे. तो ऐसा होता है कि इंडिया के सिटीजन विदेश में जा रहे हैं, बचपन से वहां पे रह रहे हैं और वहां पे क्रिकेट खेल रहे, कोई बड़ी बात नहीं है. अब ये इंडियन सिटीजन है और ये इंडिया आ रहा है तो विजिट है, यानी आ रहा है, प्लस इंडियन सिटीजन है. अब ऐसे केस में हालांकि वो इनकम नहीं बता रहा है, इनकम बता नहीं रहा है कितना इनकम है, बट आप देखोगे ना अगर इंडियन सिटीजन विजिट कर रहा है तो ये तो पक्का है कि 60 दिन वाला कंडीशन नहीं है. अगर मानिए 15 इंडियन इनकम एक्सीड कर जाए 15 लाख, तो भी 120 डे प्लस 365 कंडीशन है. और अगर इंडियन इनकम अप टू 15 लाख है तब तो सीधा 182 डे वाला कंडीशन है. तो यहां पे तो 100 ही दिन है ना, तो यहां पे तो ये कभी भी इवन जो मॉडिफाइड सेकंड बेसिक कंडीशन है वो भी पूरा नहीं हो सकता है, मात्र 100 दिन है. अगर कोई विजिट कर रहा है, अब ध्यान देखिए, अगर कोई विजिट कर रहा है तो 182 डे वाला कंडीशन तो है नहीं, यहां पे मात्र 100 दिन है. ऑल्दो इनकम नहीं दिया है बट फिर भी मिनिमम तो 120 दिन होना चाहिए था ना, यहां पर 100 ही दिन है. तो ये बाबू आपका नॉन रेसिडेंट हो गया. तीसरा, व्हाट वुड बी आंसर इफ श्रीनाथ हैड विजिटेड इंडिया 120 दिन. तो विजिट प्लस इंडियन सिटीजन. अब यहां पे भी पूछेंगे, अगर आपका इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, बाबू याद कर लीजिएगा, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स अगर एक्सीड कर जाए 15 लाख, तो 120 प्लस 365 डेज का कंडीशन लग जाता है. ये कह रहा है 120 दिन आ रहा है, तो हमारे केस में क्या होगा, करंट ईयर में 120 डेज और पिछले 4 साल में कितना हो जाएगा, 480 डेज. बाबू ये रेसिडेंट हो जाएगा. और अगर टोटल इनकम अप टू 15 लाख है इंडियन इनकम, तो यहां पर ये वाला केस नहीं लगेगा, नॉन रेसिडेंट होगा. क्या ये क्वेश्चन में क्या नहीं समझ में आया वो पूछ लीजिए. अगर कोई भी ऐसा डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा. कॉल करना है आप कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. आपको पता है हमारे ऐप में कॉल का भी फीचर है, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं अगर इसमें कोई डाउट है तो, बिकॉज हमने टाइम दिया काफी. आगे बढ़े फिर अगर डाउट नहीं है तो. ठीक है, ये आपका स्टार क्वेश्चन होगा. आई थिंक हमने पूरा कर दिया. मैं चाहता हूं ना एक बार मेरे सामने ये वाला छोड़ दीजिएगा, ये इग्नोर कर दीजिए. बी और सी पढ़ लीजिए आप. बी में क्या था, इंडियन सिटीजन विजिट 100 दिन, इंडियन सिटीजन विजिट टू इंडिया, नॉन रेसिडेंट, इंस्पेक्टिव टोटल इनकम. टोटल इनकम मैटर नहीं करेगा क्योंकि 120 दिन तो है ही नहीं ना, 100 ही दिन है, तो इनकम क्यों चेक करेंगे. इनकम तो तब फायदा होगा ना जब 120 दिन होता, तो नॉन रेसिडेंट है. सी वाला इंपॉर्टेंट है,
अगर श्रीनाथ का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड कर रहा है उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, काटिएगा मत, अब इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि 120 डेज है तो 480 डेज वाला कंडीशन। हाँ, अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रहा है तब तो बाबू सेकेंड कंडीशन बिल्कुल ही नहीं है, 182 तब नॉन रेसिडेंट। आई थिंक हम लोग आगे बढ़ने के लिए फिर तैयार है। अब देखिए अगला है, इमेजिन कीजिए एक बंदा है वो विदेशी है, इंडिया में किसी पर्पस से वो आया कोविड के टाइम पे, इमेजिन कीजिएगा। वो भाई साहब मार्च 2020 में आए मान के चलिए और लॉकडाउन लग गया और वो 182 डे हो गया, वो रेसिडेंट हो गया। क्या ऐसा रेसिडेंट और हमारे में कोई समानता है, आकि हम दोनों मतलब कोई डिफरेंस है कि हम दोनों सेम हैं, मतलब मैं और आप जो लोग यहीं के हैं और एक बंदा जो कुछ दिन के लिए आया, मानो 8 महीने के लिए आया। अब जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ विदेशी लोग आते हैं और ऋषिकेश में 6-6 महीना 7-7 महीना गुजार देते हैं, होता है ऐसा। अब उनमें और हम में अंतर है कि नहीं, ऑब्वियसली अंतर है। तो एक है कि बाबू आप करंट में रेसिडेंट हो बट आम तौर पे भी रेसिडेंट रहते हो, और एक है करंट में तो रेसिडेंट हो आम तौर पे आप रेसिडेंट नहीं रहते हो। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक तो होगा कि आप करंट ईयर में रेसिडेंट हो बट आम तौर पे रेसिडेंट नहीं रहते हो, दूसरा है कि आप करंट ईयर में रेसिडेंट हो बट आम तौर पे जनरली आप रेसिडेंट नहीं होते हो। तो अगर रेसिडेंट हो उसके भी दो पार्ट बन जाएंगे, या तो आप इस साल रेसिडेंट हो और आमतौर पर जनरली ऑर्डिनरीली मतलब होता है जनरली आमतौर अब सुनिएगा ध्यान से, अगर बेटा आप आरवार बन गए ना बाबू, इमेजिन कीजिए सरकार बोलता है बेटा हमने पाला पोसा बड़ा किया, टैक्स किसी और को दोगे? तो अगर आप आरवार बन गए ना, चंद्रमा पे जाके मार्स पे जाके पैसा कमा रहे हो, टैक्स इंडिया में भरोगे? दुनिया में कहीं पर भी पैसा कमाओ अगर आप आरवार हो, इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, बताओ ये बड़ी बात है कि नहीं? इंडियन गवर्नमेंट सीना ठोक के बोल रहा है कहीं भी पैसा कमाओगे अगर आरवार बन गए इंडिया में टैक्स देना है, बड़ी बात है कि नहीं? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लॉ बनाने का पावर तो दूसरों के पास भी है, दूसरे कंट्रीज के पास, वो भी ऐसा लॉ बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चिंता मत करो, मैं आरवार उसी को बनाऊंगा ना जो कि जेन्युइनली इंडिया में रिसाइड करता है। मैंने बोला सर, मैंने बोला कैसे इंश्योर करोगे? तो सरकार बोला देखिए सर, हम जिस भी साल की बात करेंगे उसके पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट, मतलब करंट ईयर में तो रेसिडेंट है ही, पिछले 10 साल में कम से कम 2 बार रेसिडेंट, एंड पिछले 7 साल में 730 डेज का स्टे, और दोनों पूरा होना चाहिए। यानी बाप रे, तो बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो सर आप। आप ये बोलना चाह रहे हो कि रेसिडेंट बनने के लिए 6(1) में फर्स्ट बेसिक कंडीशन और सेकंड बेसिक और बट एक बार आप जब रेसिडेंट बन गए तो उसके बाद आरओआर बनने के लिए फर्स्ट एडिशनल कंडीशन एंड सेकेंड एडिशनल कंडीशन। मैंने बोला बाबू बिल्कुल सही पकड़े हो, क्योंकि रेसिडेंट बनाने के समय सरकार एकदम सबको लपेटे में लेना चाहता था, बट आरओआर बनाने के समय क्योंकि ग्लोबल इनकम टैक्स होगा, गवर्नमेंट कहता है हम केवल उन्हीं बंदों को लेंगे जो कि जेन्युइनली इंडिया में रिसाइड करते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? पिछले 10 साल में एटलीस्ट 2 साल का रेसिडेंट और पिछले 7 साल में एटलीस्ट 730 डेज का स्टे, दोनों। अगर आपने ये दोनों कंडीशन पूरा नहीं किया या दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरा नहीं किया तो हम आपको बोलेंगे एनुआर।
साथ ही साथ याद रखिएगा, हर वो जगह, ध्यान दीजिएगा, हर वो जगह जहां पे आप डीम्ड रेसिडेंट थे वो 15 लाख वाला केस था, सब एनवार। यानी अगर आप 6-1A हो डीम्ड रेसिडेंट एनवार, या 120 डेज प्लस 365 डेज वाले हो तो भी एनवार। अगर 15 लाख वाला इंपैक्ट पड़ गया तो आप कभी आरवार नहीं हो सकते, आरवार बनना मुश्किल है। आरवार केवल वही बनेगा जो कि जेन्युइनली इंडिया में रहता है। ग्लोबल इनकम टैक्स होगा, दो एडिशनल कंडीशन है, रेसिडेंट इन एटलीस्ट 2 ईयर्स इन द 10 प्रीसीडिंग ईयर्स प्लस एंड पिछले 7 साल में 730 डेज। आरएनआर कौन है? रेसिडेंट तो हो बट आमतौर पर नहीं होते हो, ये बात 66A में लिखा हुआ है। मैं एक बात और बोल दूं, अगर आपने कहीं और पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि वहां पे जो डेफिनेशन है वो नेगेटिव है, हमने उसको पॉजिटिव डेफिनेशन लिया है। आप ये डेफिनेशन याद कीजिए, बेटर होगा। रेसिडेंट हु इज नॉट सेटिस्फाइंग, या तो दोनों ही पूरा नहीं कर रहे हो या दोनों में से कोई एक नहीं कर रहे हो। डीम रेसिडेंट यानी 15 लाख वाला किस्सा एनवार, इंडियन सिटीजन और पीआईओ हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग 15 लाख एक्सीड कर गया 120 डेज वाला, सब एनवार। आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए? बट आई थिंक हमने क्वेश्चन कर तो लिया, फिर भी देख लीजिए। सिविल और फाइल देखिए, छोटू क्वेश्चन है एकदम बच्चों वाला, बट जस्ट टू एंश्योर कि आपके पकड़ में रहे कॉन्सेप्ट्स। मिस्टर डे अ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट रिसाइडिंग इंडिया सिंस 1990, केम बैक टू इंडिया, ओ माय गॉड, ओके। तो ये भाई साहब इंडिया आ गए हैं 1/4/2020, माइंड यू भावनाओं में मत भइएगा, हमारा ईयर कौन सा है? हमारा ईयर है पीवाई 21/22, ओके, फॉर परमानेंट सेटलमेंट, ओके। व्हाट विल द रेजिस्ट्रेशन स्टेटस? आइए क्या कह रहे हैं, 1/4/2020 को भाई साहब आ गए और पूछ रहे पीवाई 22/23, यानी पीवाई 21/22। पीवाई 21/22 स्टार्ट होता है 1/4/21 से 31/3/22। ये भाई साहब यहां पर आ चुके हैं, यहां पे आ चुके हैं, तो करंट ईयर में सेटिस्फाइंग फर्स्ट बेसिक कंडीशन, क्योंकि 182 डे प्लस है और रेसिडेंट। अगला है आरओआर की एनओआर। अब आरओआर होने के लिए पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट, अब पिछले साल ये 365 डेज यहां भी है, तो रेसिडेंट तो है बट पिछले साल है। मैं क्या बोला, जिस साल की आप बात करोगे उसके पिछले 10 साल कम से कम 2 साल, और ये भाई साहब 1990 से बाहर थे, ये तो अभी आए। तो आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग पीवाई आप केवल 1 ईयर के लिए रेसिडेंट हो तो एनवार हो गए। दूसरा, पिछले 7 सालों में आपके 365 डेज हो तो बिकॉज आपने दोनों कंडीशन पूरा नहीं किया, दोनों में से एक भी पूरा नहीं करते तो भी आप क्या होते, एनओआर, क्या होते, एनवार, 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 एनवार। ये डेफिनेशन आप इग्नोर कर सकते हैं, ये डेफिनेशन नेगेटिव पॉइंट पे दिया हुआ है, हम लोग बाबू पॉजिटिव वाला देखते हैं। आप सिंपल कैसे करोगे इसका ना आंसर एक प्रॉपर दिया होगा, डोंट वरी मैं बताता हूं। आइए लिखिए, सीपी नंबर 5 में रेसिडेंट वाला तो हमने आपको पहले ही करा दिया है, सीपी नंबर 8 में याद है,
प्रॉपर सॉल्यूशन। अब हम आर वार का देख रहे हैं और रेसिडेंट इज कंसिडर्ड एज आर वार, एग्जाम में पूरा लिखेंगे, इफ ही सेटिस्फाइज बोथ एडिशनल conditions, कंडीशन नंबर ए कंडीशन नंबर बी, इन दिस केस एग्जाम याद रखिएगा आपको दोनों चेक करना है आर आर बनने के लिए, आर आर नहीं बनने के लिए कोई भी एक चेक कर लीजिए आप, ये कुछ ऐसा हो गया सीए पास करना, आर आर बनना मतलब सीए पास करना, इट्स एज सिंपल एज दैट। ओवरऑल 50 चाहिए, इंडिविजुअली भी 40 चाहिए, तो कोई बच्चा, हालांकि बहुत गंदा एग्जांपल है, कोई बच्चा फेल कर मानते हैं, या तो ओवरऑल 50 ना है या ओवरऑल 50 आ जाए किसी एक में 40 से कम आ जाए, समझ रहे हो। इन दिस केस हिज स्टे डूइंग प्रीसीडिंग 7 पीवाईज इज 365 डेज, hence he is in war। अब ये बोल सकते थे कि पिछले 10 साल में एक ही साल वो रेसिडेंट है, इसलिए भी वो इन वार है, तो रीजन कुछ भी हो सकता है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एकदम तेजी में। चलिए आगे, होता क्या है, होता क्या है कि कई बार ना आपने देखा होगा इंडियन शिप्स या फॉरेन शिप्स, अब मानो ये इंडिया है, ठीक है, कोई बंदा ध्यान सुनिएगा कोलकाता, अच्छा मैं मैप में उतना एक्सपर्ट नहीं हूं तो मोटा मोटा मुझे लगता है कोलकाता यहां पे एंड मोटा मोटा मुंबई यहां पे, मोटा मोटा। अब ये भाई साहब यहां पे शिप पे चढ़ गए, क्रू मेंबर की बात कर रहा हूं, अब ये हो सकता है यहां से आगे जाए, पहले चेन्नई से माल उठाए, ऐसा हो सकता है, यहां से आगे जाए कोचीन से माल उठाए, आगे जाए मुंबई से और फिर फाइनली बाहर जाए। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बड़ी शिप है तो एक जगह से पूरी भर के निकलती है, हो सकता है वो कहीं और भी रुके। अब मुद्दा यह है कि जो क्रू मेंबर है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे। अब आप सोचिएगा ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर इंडिया मानते हैं, 12 के बाद आउटसाइड इंडिया मानते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, सुन लीजिए, मोटरसाइकिल थोड़ी है कि घर के बाहर आके लगा दिया, कई बार ऐसा होता है शिप आ जाता है और वो वेट करता है अपने जगह का, मानो पोर्ट पे, पोर्ट बिजी है, बंदरगाह जो इंडियन पोर्ट है, तो कई बार उसको कुछ दिन वेट करना पड़ता है। अब इनके लिए ना डेज कैलकुलेशन बड़ा मुश्किल हो गया, इनके लिए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप नहीं, कोई भी फॉरेन बाउंड शिप, वो इंडियन हो या फॉरेन हो, द ओनली थिंग इज डेस्टिनेशन इंडिया में नहीं, ओरिजिन इंडिया में, डेस्टिनेशन इंडिया से बाहर। तो जो क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन बाउंड शिप थे, अगर सरकार ने एक रिलैक्सेशन दिया कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो एंड शिप कैसा है, फॉरेन बाउंड शिप है, ठीक है, क्रू मेंबर, तो सरकार बोलता है काम करो। बहुत पहले बचपन में कॉन्सेप्ट होता था कि जब आप हॉस्टल में जाते हो तो आपको ना कई बार एंट्री करवाया जाता है, या आपने सुना होगा कि जब आप जॉब वगैरह में भी जाते हो तो कई बार ना आपका अटेंडेंस होता है। सिमिलरली जो शिप्स होते हैं, जब क्रू मेंबर चढ़ते हैं ना, क्रू मेंबर, तो एक उनका वो होता है रजिस्टर, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक रजिस्टर होता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, उस पर एंट्री करना पड़ता है। तो कोई बंदा जब शिप पे चढ़ेगा तो एंट्री कर देगा, और जब पूरा घूम फिर के वापस इंडिया आएगा, शिप से उतरेगा तो एंट्री करेगा। और ये जो सरकार बोलता है, लेट्स कीप इट सिंपल, ये जो आपने एंट्री कर दी ना, हम मानेंगे इंडिया से बाहर। ओ माय गॉड, क्या बोला मैंने,
यानी अगर कोई इंसान जस्ट सोच ही दिखेगा, मस्त कॉन्सेप्ट है, इंडियन सिटीजन है, क्रू मेंबर है, फॉरेन बाउंडशिप है, मान के चलिए ये भाई साहब 6 जून को मान के चलिए डेट एंट्री हो गया इन कंटिन्यूड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर लिविंग इंडिया एंड 9 दिसंबर को डेट एंट्री हो गया फॉर अराइविंग इंडिया। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है बाबू, मस्त कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि इस पूरे समय को हम आउटसाइड इंडिया मानते हैं। लेट्स कीप इट सिंपल। अब वो शिप पानी के 12 नॉटिकल माइल के अंदर है, 12 नॉटिकल माइल के बाहर है, कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में फर्क नहीं पड़ता है, रजिस्टर चेक करेंगे। एंड इसमें एक और मस्त पॉइंट क्या है कि इवन इसको भी हम बाहर मानेंगे, यानी आप 6 जून को भी बाहर मानेंगे और 9 दिसंबर को भी बाहर मानेंगे। मतलब एंटायर पीरियड इंक्लूडिंग डेट ऑफ एंट्री आउटसाइड इंडिया मानेंगे। मस्त पॉइंट। अच्छा बात बताइए ईमानदारी से, यहां पर सेकेंड बेसिक कंडीशन लगेगा, सोच बताइएगा, इंडियन सिटीजन देश से बाहर जा रहा है, लिविंग फॉरेन बाउंडशिप है, ये इंडियन भी हो सकता है, फॉरेन शिप भी हो सकता है। बट मैंने आपको अभी बता दिया है थोड़ी देर पहले कि दोनों को रिलैक्सेशन है, तो सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगता है। ये समझ में आया कि उड़ गया, सेकेंड बेसिक कंडीशन नहीं लगता है। ठीक है, नहीं लगता है। अब आइए कैलकुलेट करते हैं। तो पीरियड आउटसाइड इंडिया कितना है, आउटसाइड इंडिया तो 6 जून से 9 दिसंबर वो आउटसाइड इंडिया मानते हैं, तो 30 माइनस 5 जून का हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो जाएगा आपका 187 डेज। पीरियड इन इंडिया कितना मानेंगे, 365 माइनस 187 178 डेज। तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, सेकेंड बेसिक कंडीशन वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट नहीं। इसी को निकालने का एक और तरीका है, अगर वो पूछेगा स्टे इन इंडिया तो मैं एक और तरीका है, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून 5 डेज, क्योंकि 6 तारीख से बाहर है, जुलाई नहीं, जून जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, दिसंबर में 31 में से 9 को बाहर मान रहे हैं, जैन, फेब, मार्च, कैलसी, ये आपका 178 आना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दोनों आंसर सेम आ रहा है, या तो आप आउटसाइड निकाल के
365 में से माइनस कर दीजिए या आप ऐसे निकाल लीजिए, आपकी मर्जी। आई वॉन्ट कि आप ना इसको नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनफैक्ट नोट कर लीजिएगा। मैं पांच गिनता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई थिंक ये पेज अलग हो गया, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। जो मैंने चार्ट बनाया हालांकि भी वही है, स्टार्टिंग डेट, जो डेट एंटर्ड इन द, लिख लीजिए कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये रजिस्टर है उसको भी एक्सक्लूड करना है, और डेट एंटर्ड फॉर साइनिंग ऑफ, मतलब हम शिप से जा रहे हैं तो शिप पे ज्वाइन कर रहे हैं, शिप से जा रहे हैं, बोथ डेट्स आर एक्सक्लूडेड। सेकेंड कंडीशन आपका नहीं लगता है, जो मैंने आपको भी एग्जांपल कराया वो एग्जैक्टली इस पे है। इबा बताइए, ये पिछले चार साल का मैटर करेगा क्या? अगर आप इंडियन सिटीजन हो, क्रू मेंबर हो फॉरेन शिप के, विल इट मैटर पिछले चार साल में क्या किया? नहीं मैटर करेगा सर, क्योंकि सेकंड कंडीशन तो लगता ही नहीं है, सेकंड कंडीशन तो लगता ही नहीं है। तो जो अभी आपने इलस्ट्रेशन देखा वो इसी क्वेश्चन का इलस्ट्रेशन था। मैं एक सेकंड वेट कर रहा हूं, एक मिनट, आप इसको रीड कर लीजिए, प्लीज 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 सारे बच्चे इसको तेजी में रीड कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका सबसे मेन इंडिविजुअल हो गया, इससे ज्यादा नो डाउट बुक में क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिस के लिए मेन कॉन्सेप्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है एचयूएफ का 6-2। सुनिए ध्यान से, इंडिविजुअल में तुम बड़े आसानी से स्टेज चेक कर रहे थे, क्या एचयूएफ में भी? अब एचयूएफ क्या है, वैसे तो कई जगह ये बोला जाता है कि एचयूएफ का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, बट इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप सेपरेट लीगल एंटिटी इसको मानेंगे, और एचयूएफ का अलग से टैक्सेशन होता है। अच्छा, एचयूएफ क्या होता है? देखिए, जब भी हस्बैंड वाइफ, ये एचयूएफ नहीं है, बट द मोमेंट बच्चा आया ऑटोमेटिकली एचयूएफ बन गया। अब सुनिए, ये एचयूएफ का, मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस इस बात पर निर्भर करता है कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। कंट्रोल मैनेजमेंट का मतलब होता है कंट्रोल मैनेजमेंट कि भैया आपका पॉलिसी डिसीजन कहां हो रहा है, पॉलिसी डिसीजन, आपके डिसीजंस कहां लिए जा रहे हैं। अगर उसका डिसीजन होली या इवन पार्टली इंडिया में है, हम उस एचयूएफ को इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, एचयूएफ केस में आपको सिंपल ये चेक करना है कि उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां है। अगर वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इवन पार्टली इंडिया में है, हम उसको इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे। अब ये कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे डिसाइड होगा? आप ये चेक करोगे कि सर देखो, या तो क्वेश्चन बता दे, या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे, और अगर नहीं कर पा रहा है तो आप सिंपल चेक कर लीजिए करता कहां पे रह रहा है। अब सोचो, बस ये देख लीजिएगा, अगर करता 40 दिन, मैं तो कह रहा हूं अगर करता एक दिन भी इंडिया आया, मात्र एक दिन, करता अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में नॉन रेसिडेंट, क्योंकि 60 से कम है, बट अगर वो एक दिन आकर उसने कोई भी डिसीजन ले लिया एचयूएफ का इंडिया में, एचयूएफ को हम इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे, क्योंकि ये ना पार्टली बोलता है, इट्स समथिंग लाइक दैट। मान के चलिए एक बड़ी सी कढ़ाई है, ओके, अब एक में नॉनवेज बन रहा है चिकन, और एक में प्योर पनीर की सब्जी। अब हुआ क्या कि जो नॉनवेज वाला था वो खूब एक्साइटमेंट में
बना रहा था और तभी एक लेग पीस उड़ा, वेज में चला गया। सोचिए इतनी बड़ी कढ़ाई, पनीर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, पानी, मसाले, पता नहीं क्या क्या, उसमें अगर एक पीस लेग पीस आ जाएगा, भगवान न करे, और आप प्योर वेज हो, आप कभी खाओगे नहीं सर। वो एक लेग पीस पूरे कढ़ाई को वेज से नॉनवेज बना दे रहा है। सिमिलरली अगर पार्टली इंडिया में है, वो जो करता है वो एक दिन के लिए भी इंडिया में आकर अगर पॉलिसी डिसीजन ले लिया इंडिया में, ये सब क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तब अज्यूम कर लेना कि अगर वो इंडिया में आ रहा है तो इंडिया में वो पॉलिसी डिसीजन ले रहा है, इंडिया का मान लीजिए। प्लस मैं वैसे तो करता कह रहा हूं, बट हो सकता है करता मानो 90 साल के हो गए, उन्होंने सारा पावर अपने मैनेजर को दे दिया, तो जो एक्चुअल बंदा है उसकी हम बात करेंगे। और मानिए करता चेंज हो गया ड्यूरिंग द ईयर, तो जो एंड ऑफ द पीवाई में है ना, मानो एंड ऑफ द पीवाई में हो सकता है कि भैया 10 महीने बाद चेंज हो गया हो, 11 महीने बाद चेंज हो गया हो, तो जो लास्ट में है उसका हम चेक करते हैं। तो करता या मैनेजर कौन सा, जो एक्चुअल मतलब डिफैक्टो जिसका एक्चुअल में कंट्रोल है और एंड ऑफ द पीवाई में। फॉर एचएफ टू बी रेसिडेंट नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ डेज करता इज इन इंडिया, व्हाट मैटर्स इज दैट पॉलिसी डिसीजन शुड बी टेकन इंडिया होली और पार्टली। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एचएफ का चेक करना है कुछ मत चेक कीजिएगा, पहले देखिएगा क्या क्वेश्चन पॉलिसी डिसीजन की बातें कर रहा है, अगर कर रहा है कांग्रेचुलेशंस, होली आउटसाइड तो आउटसाइड, होली इंडिया तो इंडिया, पार्टली इंडिया तो भी इंडिया। दूसरा क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट, और कह रहा है कि करता कुछ दिन के लिए आ रहा है, आप अज्यूम कर लो, ठीक है। आई थिंक ये रिपीट हो जाएगा, ये हमने करा दिया। फिर इलस्ट्रेशन, श्याम करता श्याम एचयूएफ विजिट इंडिया फॉर 40 डेज। अब अगर मैं श्याम की बात करूं, श्याम की, तो श्याम तो नॉन रेसिडेंट है अपने कैपेसिटी में, बट चूंकि वो 40 दिन है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या मानेंगे, इसने बिजनेस डिसीजन ले लिया। श्याम एचयूएफ इज अ रेसिडेंट इंडिया बिकॉज इट इज प्रिज्यूम्ड, हम ऐसा मान लेंगे दैट ड्यूरिंग स्टे ऑफ 40 डेज ही टुक बिजनेस डिसीजन। इफ क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन आउटसाइड इंडिया, एचयूएफ शैल बी नॉन रेसिडेंट। सिंपल, या तो क्वेश्चन बता दे कि भैया सारा पॉलिसी आउटसाइड है तो भैया उसको हम एनआर मान लेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन है, सीपी नंबर 4 पे आइए, सीपी नंबर फोर, ठीक है। द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल द, ओ माय गॉड, बाकी तो पहले ही कह रहा ऑल द डिसीजंस आर टेकन देयर। एक सेकेंड, अगर वो पहले ही कह दे रहा है कि ऑल द पॉलिसीज आर टेकन देयर, तो करता क्या कर रहा है उसे में क्या मतलब, अगर वो बोल दे तो भी एचयूएफ एनआर है। अगर क्वेश्चन नहीं बोलता तब हम करता का चेक करते हैं, वो तो पहले खुला बोल दे रहा है, क्वेश्चन से थोड़ी लड़ लेंगे, क्वेश्चन से कभी लड़ेंगे नहीं, तो एचयूएफ बाबू एनआर हो गया। मिस्टर ई द करता ऑफ एचयूएफ वॉज बॉर्न इन कोलकाता, ये बाबू एग्जिट विजिट कर रहे हैं आफ्टर 15 साल, वो आ रहे हैं 1 अप्रैल को और जा रहे हैं 1 दिसंबर को, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, माय गॉड, ये तो रेसिडेंट हो गए। क्यों, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, तो करता बाबू इंडिविजुअल कैपेसिटी में रेसिडेंट है और एचयूएफ बाबू नॉन रेसिडेंट है। तो सिंपल क्वेश्चन का फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को भी समझेंगे। If question specifies where policy decisions are taken, ध्यान दीजिएगा,
यस डस क्वेश्चन स्पेसिफाई, आपने बोला यस, डिसाइड अकॉर्डिंगली रेसिडेंट इफ कंट्रोल मैनेजमेंट होली और पार्ट इन इंडिया. आप नहीं, नहीं सर, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है. डिसाइड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ईस्टर्न इंडिया. सिंपल सिंपल. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट assume that even in one day visit of Karta in India he took policy decisions in India. तो question silent है, हम क्या मानेंगे कि अगर वो भले एक दिन के लिए आ रहा है उसने policy decision ले लिया India में. आई थिंक ये आपका एकदम प्रॉपर समरी भी एक तरह से बढ़िया. अब मुद्दा ये है कि सर ये भी आर वार एन वार हो सकता है एच यू एफ, बट मजी बात क्या है, मजी बात क्या है, क्या स्टेटस ऑफ एच यू एफ और स्टेटस ऑफ कर्ता एग्जैक्टली लिंक्ड है क्या? आंसर दीजिए, क्या स्टेटस ऑफ कर्ता एंड स्टेटस ऑफ एच यू एफ एग्जैक्टली लिंक्ड है? एग्जैक्टली 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 नहीं 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 एग्जैक्टली लिंक्ड नहीं है. बट एच यू एफ आर वार है कि एनआर है वो बाबू कर्ता भी डिपेंड करता है डायरेक्टली. तो देखिए रेसिडेंट स्टेटस ऑफ एच यू एफ इज कंट्रोल एंड मैनेज होली और पार्टी इंडिया. आपने बोला यस एच यू एफ रेसिडेंट है. नो रेसिडेंट नॉन एच यू एफ है. उसके बाद जो अगला चेक करेंगे वो क्या चेक करेंगे, अगर कर्ता रेसिडेंट एट लीस्ट 2 out of 10 वही वाला पुराना कंडीशन या 730 days. अगर यस तो कर्ता इज ऑल्सो आर वार एंड एच यू एफ ऑल्सो आर वार. मतलब कर्ता एंड एच यू एफ का आर वार एन वार बाबू एकदम एकदम फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड है. सुनिए स्पेशल केस इफ कर्ता इज एनआर एन एच यू एफ इज रेसिडेंट. ऐसा हो सकता है कि कर्ता 40 दिन वाला केस है, देखो ना, एच यू एफ ये वाला, सॉरी सॉरी, श्याम 40 दिन के लिए आ रहा था तो एच यू एफ तो रेसिडेंट हो गया था बट श्याम कर्ता खुद नॉन रेसिडेंट था. तो यहां पर जो एच यू एफ होगा वो एनआर होगा. दूसरा ये स्टूडेंट का डाउट है, बढ़िया डाउट है, मेरे साथ नोट कीजिएगा. मानिए श्याम विजिट्स इंडिया फॉर 120 डेज इन पीवा 21-22. हिज स्टे ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 PYs इज 365 डेज एंड इंडियन इनकम एक्सीड कर रहा है 15 lakh. अब देख लो इंडियन सिटीजन है मानिए वो विजिट कर रहा है, इंडियन इनकम भी 15 lakh से ज्यादा है तो बाबू ये क्या हो गया एनओआर, समझ लो एनओआर. अब चूंकि सिंस कर्ता इज एनओआर
HUF will also be NOR. That's it. क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? बाबू समझे ना, वैसे रेजिस्ट्रेशन स्टेटस दोनों का लिंक्ड नहीं है, बट आरवार एनवार बाबू लिंक्ड है। तो अगर श्याम आरवार एनवार हो गया तो एचयूएफ भी एनवार होगा। अगर श्याम एनआर है और एचयूएफ रेसिडेंट हो गया तो मजबूरी है रेसिडेंट को भी हम या एचयूएफ को भी हम एनवार ले लेंगे। बाकी इतना डीप में इंस्टीट्यूट नॉर्मली जाता नहीं है, ये बस आपकी क्लैरिटी के लिए कि अगर कभी उघुमा दे, क्योंकि ये ना डाउट एक स्टूडेंट ने पूछा था मुझसे एंड मुझे लगा कि नहीं यार डाउट तो बहुत सॉलिड है कि अगर मैं मॉडिफाइड सेकंड बेसिक कंडीशन वो 120 प्लस 365 के दम पे अगर किसी को एनवार बना रहा हूं तो ऑब्वियसली उसका एचयूएफ भी एनवार होगा। बाबू ये समझ में आ गया या इसमें डाउट है? डाउट तो पूछ सकते हो, ऑल्दो इससे डीप क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता है, ये अपने आप में काफी ज्यादा अल्टीमेट केस है। चलिए कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। सर सरकार बोलता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी मतलब जो रजिस्टर्ड इंडिया है कुछ ना चेक करेंगे आप हमेशा रेजिडेंट कहलाओगे। अगर आप इंडिया में रजिस्टर्ड हो हम कुछ नहीं चेक करेंगे, हमेशा आप इंडिया में रजिस्टर्ड कहलाओगे। बट मानिए आप फॉरेन कंपनी हो और सोचिए एक फॉरेन कंपनी को हम इंडिया में रेजिडेंट बना दें, लॉजिकली नहीं बनना चाहिए भाई। जैसे हम कह रहे हैं हमारी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, बिजनेस कहीं भी करे हमेशा हम इंडिया का मानेंगे। सिमिलरली कोई विदेशी कंपनी है वो भी तो यही कहेगी ना कि हमारी कंपनी, मतलब अगर मानो कोई सिंगापुरी कंपनी है तो सिंगापुर क्या बोलेगा कि जितनी कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर्ड है वो हमेशा वहां की रेसिडेंट होगी। तो आइडियली इंडियन अगर हमेशा इंडियन रेसिडेंट है तो फॉरेन कंपनी को भी इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ये फैक्ट है। बट होने क्या लगा था सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। फ्लिपकार्ट बताओ इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी है फ्लिपकार्ट, ध्यान सोचिएगा फ्लिपकार्ट इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है? या ओला, सर दोनों इंडियन कंपनी है दोनों। अब ये जो कंपनीज हैं इन्होंने अपना जो पहला रजिस्ट्रेशन लिया था ना वो इंडिया से बाहर लिया था, सिंगापुर में लिया था। क्यों? क्योंकि इंडियन लॉस कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ना के लॉस कुछ इनको सही लग नहीं रहे थे, तो ये कॉर्पोरेट डिसीजन था कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉरेन में ले लिया और सारा काम बैंगलोर में बैठ के कर रहे हैं। तो सरकार ने बोला कि बेटा तुम हो तो इंडिया के ही ना, तो गवर्नमेंट ने बोला कि बेटा देखो हम फॉरेन कंपनी को भी इंडिया का रेसिडेंट मान लेंगे अगर उसका पोयम इंडिया में हो। पोयम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां पर पूरे कंपनी के जो मैनेजेरियल की कमर्शियल डिसीजंस होते हैं वो होते हैं। मतलब हम फॉरेन कंपनी को इंडिया का रेसिडेंट कब मानेंगे? अगर उसका पोयम इंडिया में है, मतलब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जहां पे मेन डिसीजंस होते हैं। बताओ फ्लिपकार्ट रजिस्टर्ड सिंगापुर में है, सारा एम्प्लॉई मेनली बैंगलोर में बैठ रहा है, मेनली सारे डिसीजन इंडिया में हो रहे हैं, तो सिंपल तो रेसिडेंट इंडिया इफ पोएम इज होली मतलब इन इंडिया। पोएम क्या होता है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, दैट इज वेयर की मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजन ऑफ द बिजनेसेस आर मेड इन सब्सटेंस, मतलब मोटा मोटा, मतलब मोटा मोटा। बच्चा बोला सर क्या इस पर कोई क्वेश्चन है? आदेश करो सब निकल जाएगा। सीपी नंबर 12, देखिए एबीसी इंक, यानी अगर क्वेश्चन कभी आ गया कंपनी का तो पहला देखिएगा इंडियन है, आंख बंद करके रेसिडेंट
इंडियन नहीं है, अच्छा नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट में ना पोयम चेक कीजिएगा, पोयम स्वीडिश कंपनी हेडक्वार्टर इन स्टॉकहोम, विदेशी कंपनी है, विदेश में हेडक्वार्टर है, नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है, हैज सेट अप अ लायसन ऑफिस। लायसन ऑफिस क्या होता है कि जब भी आप किसी नए कंट्री में जाते हो तो आप सीधे ना वहां पर अपना फैक्ट्री वगैरह नहीं खोलते हो, पहले आप एक ब्रांच डालते हो छोटा सा, जो वहां पे रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा, चेक करेगा कि क्या उस कंट्री में उसका स्कोप है नहीं है। तो लायसन ऑफिसर मतलब होता है जो बेसिकली उस कंपनी का बस एक रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव इन अप्रिल केस इन कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस टू लुक आफ्टर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया। ओके, इस डे टू डे ऑपरेशंस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट एंड एक्सप्लोर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। तो विदेशी कंपनी ने इंडिया में एक ब्रांच खोल लिया जो डे टू डे काम करेगी, अवेयरनेस स्प्रेड करेगी एंड फर्दर अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगी। अगर मैं यहीं पर रुक के आपसे पूछूं कि एबीसी इंक, अच्छा इंक क्या होता है, जैसे इंडिया लिमिटेड वर्ड यूज करता है कि आपकी लाइब्रेरी लिमिटेड है, वो यूके से इंस्पायर्ड है। यूएस में दो होता है, या तो एलएलसी लिमिटेड लाइब्रेरी कंपनी, या इंक मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, तो जैसे लिमिटेड है इंडिया में, स्वीडन में इंक होगा। अब अगर मैं केवल यहीं पर रुक के आपसे पूछूं कि एबीसी इंक का मेजर डिसीजन कहां हो रहा है, इंडिया में कि बाहर में, सर हेडक्वार्टर बाहर में है, इंडिया में डे टू डे काम हो रहा है, तो जो इसका पोयम है ना पोयम, वो स्वीडन में है। तो एक फॉरेन कंपनी जिसका पोयम इंडिया से बाहर है वो इंडिया के लिए नॉन रेसिडेंट है। आगे पढ़िए, द लायसन ऑफिस टुक डे टू डे डिसीजंस, वही पुराना सपोर्ट फंक्शंस दैट आर प्रिपरेटरी एंड ऑक्सिलरी सपोर्टिव। फिर वो और भी बोल दे रहा है, द सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस आर टेकन इन स्वीडन। बताओ एबीसी का बताओ, तो सर फॉरेन कंपनी है, पोयम है, वो आउटसाइड इंडिया है, तो नॉन रेसिडेंट है, सिंपल। पोयम बाबू नॉन रेसिडेंट है। कोई डाउट इसमें? चलिए, आप घर पे बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे इस वाले को, क्योंकि ये अभी आपको कराया नहीं है। आप पहले एक बार ये देख लीजिए, ये वाला राहुल विजिट इंडिया ड्यूरिंग पीवाई 21-22। ओ माय गॉड सर, ये तो टाइम भी बता रहे हो, टाइम, अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमारा टाइम पे नहीं था, ये पहला टाइम पे है, आइए इसको कर लेते हैं। एग्जाम में अगर कभी गलती से भी आ गया तो ऐसा तो ना हो ना कि सर हमें आता ही नहीं है। देखिए हमारा ईयर है 1421 से 31 मार्च 22। ये भाई साहब फर्स्ट में क्वार है, 4A, और जा रहे हैं 20 जून को 9A। ये भाई सब दोबारा आ रहे हैं 17 सितंबर को 11 बजे सवेरे, और जा रहे हैं 28 अक्टूबर को 5 बजे शाम में। ये फिर आ रहे हैं, माय गॉड, अब अबू होप आप क्वेश्चन भी देख रहे हो, वो दोबारा आ रहे हैं 10 फरवरी, ये भाई आ ही जाओ या चले ही जाओ, 12 बजे दोपहर में, और कब जा रहे हैं 16 मार्च को 7 बजे। ओ माय गॉड, 1 2 3। अब सुनिए, अगर टाइम नहीं दिया हुआ था तो हम क्या कर रहे थे, हम अराइवल और डिपार्चर दोनों डेट ले लेते हैं। यहां पर जो टाइम दे दिया है तो सुनिए कैसे करेंगे, मस्त पॉइंट है। स्टेप वन में क्या कीजिए, टेक कंप्लीट डेज, पहले कंप्लीट डेज लीजिए। ओके,
तो अगर मैं देखूं कंप्लीट डेज, 1 तारीख को तो आधा अधूरा है, तब काम कीजिए 2 मई से, अच्छा 20 जून को गया है आधा अधूरा, 19 जून का डेज निकालिए, फुल डे, फुल डे। तो 31 का महीना एक को हटा दीजिए, मई जून, कितना हो गया 49। ठीक है आगे देखिए, फुल डे निकाले, फुल डे। तो फुल डे 17 को तो आया है, आधा अधूरा दिन है, तो 18 सितंबर से 27 अक्टूबर फुल डे है, तो 30 का महीना, 17 को उड़ा दीजिए, सितंबर एंड अक्टूबर का 27 दिन, फुल डे लेना है, फुल डे लेना है, फुल डे। तो 13 प्लस 27, 40 दिन। नेक्स्ट पे ये अगेन 10 तारीख को आया है, तो फुल डे 11 मार्च, स्लो हो गया है तो फुल डे 15 मार्च। ये 10 कब आया है, 10 फरवरी है ना, फरवरी है, तो 28 का महीना 11 से लेना है फुल डे, एंड मार्च का 15 दिन, तो 18, 28, 33 दिन। तो फुल डे कितना है, 49 प्लस 40 प्लस 33, 33। कोई दिक्कत इसमें, किसी बच्चे को इस कंप्लीट डेज निकालने में कोई दिक्कत, कंप्लीट डेज भाई मुझे कंप्लीट डे लेना है तो मैं आवर वाले छोड़ दूंगा, स्टेप टू आएगा कैलकुलेट आवर्स। अब देखिए ये भाई साहब 4 बजे सवेरे आ रहे हैं, तो 24 का महीना, 24 का घंटा, ये 4 बजे आ रहे हैं तो 20 घंटे रह रहे हैं, और सवेरे 9 बजे चले जा रहे हैं तो 9 घंटे रह रहे हैं, ये आना जाना। फिर वो 11 बजे सवेरे आ रहे हैं, तो 24 में से वो 11 बजे आ रहे हैं तो एम में 1 घंटा, पीएम में पूरा 13 घंटा, और शाम को 5 बजे जा रहे हैं, 5 बजे मतलब 17 घंटे। दोपहर में 12 बजे आ रहे हैं तो 12 घंटा, और शाम में 7 बजे आ रहे हैं तो 12, 7, 19 घंटा। क्या आवर कैलकुलेशन में किसी को डाउट है, आवर कैलकुलेशन में भाई 24 में से माइनस कर दीजिए। अब अगर मैं इस सबको करूंगा, 20 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 19, कितना हो रहा है, 90 आवर्स, 80, नहीं, 90, 90, 90। ठीक है अब कैसे करना है, हर 24 घंटे को एक लेना है, तो एक सिंपल तरीका भी है, डिवाइड बाय 24 कर दीजिए, जो होल नंबर है उसको ले लीजिए, डेसिमल को इग्नोर मार दीजिए, तो ये ऑब्वियसली 3 दिन आएगा, अब 3 डे समथिंग। ठीक है तो हम क्या लेंगे, 122 प्लस 3, 125 डेज। मेरा मेन मकसद बस ये कराना था, क्या आपको आवर कैलकुलेशन निकल गया कि उसमें भी दिक्कत है। इसको प्लीज पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया,
आपका आईसीआई का सारा क्वेश्चन हो गया, आईसीआई का जो सीपी नंबर 6 है, मैं बच्चे कर लेता हूं कुछ कर... एकदम इजी है, आप सेल्फ करोगे। 7 बाबू अच्छा क्वेश्चन है, आप सेल्फ करोगे। एक बार डेज काउंट करने का कोशिश कीजिएगा बाबू, ये एग्जाम में आ चुका है। और आपको लग सकता है अरे सर इतना डेज काउंट करेंगे, बेटा उन्होंने पूछ दिया है, और उन्होंने एक बार पूछ दिया है वो अगली बार भी पूछ सकते हैं। तो हम स्टंट नहीं मारेंगे, इसको कर लेंगे, याद रहेगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन बाबू आपका बढ़िया एक होमवर्क हो गया। 8 हमने करा दिया, 9 करा दिया, 10 में कुछ है नहीं करने लायक, 11 भी बहुत बेसिक है, 12 करा दिया, दैट्स इट बाबू। जितने क्वेश्चंस, एक बहुत ही बेसिक पॉइंट में बता देता हूं, जैसे मानो 14 क्वेश्चंस हैं, आपको अब भी ये काम करना है, अब भी घर जाकर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको आप 3 पार्ट में बांटोगे। एक वो क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्चुअल है एंड प्रैक्टिस वाला है, स्टार कैटेगरी, जो ये हर बार देखोगे, जब भी आप ये चैप्टर करोगे आप हर बार देखोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आता है, मेरे हिसाब से, आप अपना एक बार निकाल लेना, जो आपको दिक्कत लगे आप वो निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें आता है, 8 चलो आप छोड़ सकते हो, बट नहीं 8 कर लेना। ये एक क्वेश्चन ऐसा होगा, चलो ये तो छोटा चैप्टर, अभी एक चैप्टर होगा डन, मतलब वो क्वेश्चन जो आपने एक बार सॉल्व कर लिया, वंस या तो सॉल्व या डिस्कस्ड, फुल्ली अंडर कंट्रोल, इतना कंट्रोल, नो नीड टू डू नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन जो तीसरा कैटेगरी होता है, ये इस चैप्टर में नहीं है बट बाद में कीजिएगा, वन लार्ज क्वेश्चन विच हैज 1 or 2 एडजस्टमेंट, 1 or 2 न्यू एडजस्टमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में हाईलाइट एडजस्टमेंट्स, पूरा क्वेश्चन उसको मार्क करने का जरूरत नहीं है स्टार में, वहां पे केवल वो एडजस्टमेंट को हाईलाइट कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए। अक्सर बच्चा बोलता है कि सर हमने पढ़ तो लिया, समझ में तो आ गया, एग्जाम से एक दिन पहले समझ ही नहीं आया, पता नहीं सर कौन सा क्वेश्चन करे कौन सा क्वेश्चन नहीं करे। तो भैया इस कैटेगरी में बांट दीजिए, आपका जीवन ना एग्जाम से एक दिन पहले एकदम आसान रहेगा। ये एक प्रो टिप है मेरी तरफ से, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, हर चैप्टर में करना है। ये देखिए, एन इंडिविजुअल हू इज एन इंडियन सिटीजन इज अलाउड टू होल्ड, ओहो इज नॉट अलाउड टू होल्ड 2 डिफरेंट सिटीजनशिप साइमल्टेनियसली। अच्छा नहीं, एक से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एन इंडिविजुअल हु इज अ रेसिडेंट, इंडियन रेसिडेंट, इज अलाउड टू होल्ड 2 डिफरेंट सिटीजन साइमल्टेनियसली। मैं एग्जांपल देता हूं, कैनेडा अलाउ करता है, इंडिया अलाउ नहीं करता है, बट कैनेडा अलाउ करता है, यूके भी अलाउ करता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। मैं तो कह रहा हूं यूएस, कैनेडा, यूएस, यूके, दे ऑल अलाउ सब्जेक्ट टू कंडीशन ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया नहीं करता है, इंडिया नहीं करता है। अब यहां पे क्या कर रहा है कि एक हो सकता है भैया कनाडा का, जैसे अक्षय कुमार, वो सिटीजन बाहर का है, रेजिडेंट इंडिया का है, क्योंकि इंडिया में वो 182 डी प्लस रहता है। इज अ सिटीजनशिप अ डिटरमाइनिंग फैक्टर? तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली तो हो ही सकता है ना। 61A, देखो सिटीजनशिप एंड रेजिडेंशियल आर सेपरेट कॉन्सेप्ट, अलग अलग है।
person may be an Indian citizen, but may not be a resident in India. On other hand, a person may be foreign national, but may be resident. ये अक्षय कुमार की हम बात कर रहे हैं. ये स्टूडेंट इन यूएस की बात कर रहे हैं. और एक स्टूडेंट है इंडिया का जो यूएस जा रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन तो है, बट चूंकि वो यूएस में चला गया है कई दिनों से, हो सकता है वो इंडिया का रेजिडेंट ना रहा, पूरे साल बाहर है. तो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है. आपको ये ध्यान देना है कि डायरेक्टली तो कोरिलेशन नहीं है, बट हां वो जो 6-1 आया डीम रेजिडेंट, वहां पे पॉइंट आ सकता है. That's it. इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया. प्लीज चैप्टर समाप्त हुआ इसको रिवाइज कर लीजिएगा. मैं हमेशा की तरह जाते से मैं रिवाइज करा दूंगा. एंड लेट्स स्टार्ट. हमने क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा बाबू वी आर गोइंग टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर. रात हो रहा है, दिन में कई सारे लेक्चर हमने लिया है. इवन देन हम लोग अगर रिविजन करा रहे हैं, उसका बस एक ही मकसद है कि आपके दिमाग में बैठ जाए. ये तभी कारगर होगा जब आप कल का लेक्चर लेने से पहले एक बार जो बाकी क्वेश्चन है उनको आपने कर लिया और एक बार खुद से रिवाइज कर लिया. मिलके करेंगे, हो जाएगा. रेजिडेंशियल स्टेटस 6-1 इंडिविजुअल की बात करता है. सबसे पहले बात होगा रेसिडेंट. 6-1 क्या बोलता है कि सर अगर आप दो कंडीशन है, बेसिक कंडीशन, या तो आप 182 डे रहे हो या 60+365 डे, दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरा होगा, आप रेसिडेंट हो. पहले फर्स्ट चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड की चेक करने की जरूरत नहीं है. इसके अलावा सर 365 डेज होता है, कंटिन्यूअस होने की जरूरत नहीं है. टेरिटोरियल वाटर को भी इंडिया में मानते हैं. अराइवल डिपार्चर दोनों डेटे लेते हैं. टाइम लिखा हुआ है तो 24 घंटे को एक दिन मानते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स को इग्नोर कर देते हैं. अच्छा, फिर हमने बोला कि सर ये जो बंदा है कुछ केस में सेकंड बेसिक कंडीशन से माफी दे देते हैं. सबसे पहले आ या जा, आ रहे हो कि जा रहे हो, अगर आप जा रहे हो तो माफी मिलेगा केवल सिटीजन को फॉर जॉब एम्प्लॉयमेंट बिजनेस या क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप या इवन फॉरनशिप, वो जनरल प्रोविजन के कारण. दूसरा पॉइंट, अगर वो आ रहा है, अगर वो आ रहा है तो आने समय दो को बेनिफिट है, जाने समय एक को बेनिफिट, आने को दो समय. सिटीजन या पीआईओ वो आ रहा है तो एक काम और खोजिएगा. तो 60 वाला कंडीशन तो नहीं लगेगा, बट अगर 15 लाख से ऊपर इंडियन इनकम तो 120 दिन प्लस 365 वाला लग जाएगा. और अगर 15 लाख से कम है या 15 लाख तक है तो गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, वो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन ना 60 वाला ना 120 वाला, सीधे फर्स्ट बेसिक कंडीशन. अच्छा, इसके अलावा एक डीम डिसीजन का कॉन्सेप्ट है. वो क्या बोलता है? इंडियन सिटीजन, इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स एक्सीड करे 15 लाख और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी टैक्स नहीं लग रहा है, आपको डीम रेसिडेंट 6-1A माना जाएगा. डीम रेसिडेंट तब चेक करेंगे जब आप रेसिडेंट नहीं हो. इसके अलावा आरवार एनवार, आरवार बनने के लिए दो कंडीशन है, दोनों पूरा करना है. क्या क्या? पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट एंड पिछले 7 ईयर्स में कम से कम 730 डेज. अगर आपने ये दोनों पूरा नहीं किया या दोनों में से कोई एक पूरा नहीं किया, आप एनवार हो. एनवार में दो पॉइंट और है, वो डीम रेसिडेंट वाला एनवार, वो जो 120 डेज वाला एनवार, मतलब जहां 15 लाख इन्वॉल्व हो गया एनवार. अच्छा, फिर मैंने क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा, मैं देख लेता हूं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है. नहीं, कुछ मिस नहीं हो रहा है. मैंने पढ़ा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो, क्रू मेंबर ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप, आपका स्टेटस निकालने का एक मस्त तरीका है. आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा, बट कंटिन्यू डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में एंट्री एंड एग्जिट दोनों डिस्क एक्सक्लूड कर देते हैं. इसी बात हमने पढ़ा कि सर अगर आप HUF हो तो भी डिपेंड करता है कंट्रोल मैनेजमेंट का है. कंट्रोल मैनेजमेंट करता मैनेजर या जो भी एक्चुअल कंट्रोल में उसका देखते हैं, अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज हुआ है करता HUF का तो एंड ऑफ द ईयर वाला चेक करेंगे. सिंपल देखिएगा, कंट्रोल मैनेजमेंट मतलब पॉलिसी डिसीजन कहां लिया गया है. या तो क्वेश्चन बता दे, अगर अच्छा होली या पार्टी हो इंडिया में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेज ऑफ स्टे ऑफ करता कितना दिन रहा वो मैटर नहीं करता है. 2 दिन के लिए भी आए उसको आप इंडिया में मान लेना पॉलिसी डिसीजन और उसको HUF को रेसिडेंट बना देना. इसके बाद HUF आरवार एनवार होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है, वो लिंक्ड है कर्ता से. कर्ता आरवार, HUF आरवार.
करता एनआर एचएफ एनआर, करता एनआर एचएफ रेसिडेंट, तो एचएफ बाबू नॉन एनओआर हो जाएगा। अच्छा आरवार एनआर कंपनी केस में नहीं चलता है, कंपनी सिंपल ये बोलता है कि भैया इंडियन कंपनी हो ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी हो तो भैया आपको रेसिडेंट केवल एक केस में बना जाएगा अगर आपका पोयम यानी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी प्लेस वेयर की मैनेजरियल एंड जो मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजंस आर मेड इन सब्सटेंस। ये आप खुद से कर लोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। फॉर्म एलएलपी एओपी, एओपी होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीवाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिया अगर कंट्रोल मैनेजमेंट होल्डली या पार्टली, कैसे चेक करोगे? जहां पे एक्टिव पार्टनर से प्रिंसिपल ऑफिसर रह रहा है, यहां की पॉलिसी मतलब एचओएफ जैसा। याद रखिएगा आरवार एनवार, इसे जो आरवार या एनवार का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल में लगता है, एचओएफ में लगता है, कंपनी में नहीं लगता है, एलएलपी में नहीं लगता है, एओपी वगैरह में नहीं लगता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। घर पे रिवाइज कर लीजिएगा, कल मिलेंगे नए जोश नई उम्मीद के साथ नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज रिवाइज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? ज्यादा नहीं, 14 में से 3 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा। दैट्स इट, आई थिंक इतना रीजनेबल है। तो आपको इनफैक्ट क्या क्या करना है, ओ माय गॉड मैंने कहां लिखा है, हाँ, इन 14 में से आपको 3 क्वेश्चन रिटन प्रैक्टिस करना है एंड ये वाला काम करना है। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय।